अक्षय अक्षय घेड़ेकर, जैसे कि आपको वर्षा जी ने अभी बताया, दिस इज आवर ब्रांड, द नेम इज फ्रॉस्ट एंड फेदर. बेसिकली वी आर इनटू फूड सेक्टर्स. मैं पहले थोड़ा सा आपको हमारे कंपनी के बारे में बता देता हूँ. वी आर इनटू फूड सेक्टर फॉर नाउ लास्ट 5 to 6 years. देर आर ऑल्सो सम डिफरेंट बिजनेसेस वी आर इनटू, बट इन फूड सेक्टर्स हम पिछले 5 से 6 सालों से हम फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं. हमारे 3 ब्रांड्स अभी है फूड सेक्टर्स में, जिसमें कैफे चॉकलेट डिलिशियस, नटमेग एंड मेस एंड फ्रॉस्ट एंड फेदर. ऐसे 3 ब्रांड्स हमारे टोटल पूरे इंडिया में लगभग 6 से 7 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं. पूरा तीनों ब्रांड का मिला के वी हैव मोर देन 100 रेस्टोरेंट्स रनिंग अक्रॉस द कंट्री, तीनों ब्रांड का मिला के. एंड फ्रॉस्ट एंड फेदर इज आवर न्यूएस्ट ऑफरिंग. और फ्रॉस्ट एंड फेदर का हमारे पास लगभग अभी सभी जगह का मिला के वी हैव 30 आउटलेट्स रनिंग. फ्रॉस्ट एंड फेदर की शुरुआत हमने 1 साल पहले की थी. 1 साल पहले फ्रॉस्ट एंड फेदर, 1 से 1.5 साल पहले लगभग, और 1.5 साल में हमने अभी 30 जगह पे ऑपरेट करना शुरू कर दिया है. नाउ आई विल गिव यू ब्रीफ अबाउट ऑल द थिंग्स अबाउट कंपनीज एंड बाकी चीजों के बारे में. फिलहाल अभी का जो मार्केट सिनारियो है, अभी का जो बाहर का जो सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन है, इस कोविड सिचुएशन में हम आज सिर्फ क्लाउड किचन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. नॉर्मली डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, आपका एक क्लाउड किचन का मॉडल होता है, दूसरा आपका रेस्टोरेंट का फुल फ्लेज रेस्टोरेंट का मॉडल होता है. लेकिन आज जहाँ तक हम जान रहे हैं कि जिस तरीके से लोग बाहर जाके फूड लेने के लिए, बाहर जाके डिनर करने के लिए या बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए डर रहे हैं, उसी वजह से हमने अभी डिसाइड किया है कि हम होम डिलीवरीज अभी स्टार्ट करेंगे. तो होम डिलीवरीज पिछले 1 महीने में हमने अभी स्टार्ट की है. पिछले 1 महीने में रिस्पॉन्स धीरे 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 लोगों का होम डिलीवरीज में बढ़ रहा है. वैसे होम डिलीवरीज पहले भी हमारी होती है, लेकिन 1 महीने में जब से ऑपरेशन शुरू हुए हैं, वापस अनलॉक शुरू हुआ है, और तब से लेके अभी तक हम होम डिलीवरीज को सिस्टमेटिकली कर रहे हैं. और नए प्रोजेक्ट्स भी हम सिर्फ अभी क्लाउड किचन के अभी के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं. क्लाउड किचन का फ्रेंचाइजी अभी जो लोग लेंगे आफ्टर कोविड सिचुएशन, हम उन्हीं लोगों को हमारा फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं. यानी कि जो हमारा रेस्टोरेंट मॉडल का जो फीस होता है, रेस्टोरेंट मॉडल का जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये लगभग 13 से 14 लाख रुपए का है, और क्लाउड किचन का इन्वेस्टमेंट इट्स अराउंड 7.5 लाख. अभी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको अगर आगे जाके आप इसी मॉडल को रेस्टोरेंट मॉडल में कन्वर्ट करना चाहते हैं क्लाउड किचन के बाद, तो आप सीधा आपका जो बुला लो अशोक जी, आपका म्यूट नहीं है शायद. हेलो, या सो जी, तो मैं ये कह रहा था कि हम रेस्टोरेंट मॉडल से ज्यादा अभी क्लाउड किचन पे फोकस कर रहे हैं. अक्षय जी प्लीज अनम्यूट करिए. अक्षय जी म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट करिए. हेलो, अनम्यूट. हाँ ठीक है, ठीक है, प्लीज प्लीज कंटिन्यू. हाँ हो गया, ओके सॉरी, मैंने गलती से मेरा म्यूट कर दिया मेरे ख्याल से. ओके जी, तो मैं ये कह रहा था कि क्लाउड किचन का जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपके रेस्टोरेंट मॉडल के इन्वेस्टमेंट से इट इज हाफ ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. रेस्टोरेंट मॉडल में जहाँ पे आप 13 से 14 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही आप क्लाउड किचन में 7.5 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है. लेकिन उसी वक्त अगर आप आगे कोविड सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद अगर आप आगे इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं रेस्टोरेंट मॉडल में, तो देन ऑल्सो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीस या चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपग्रेड मिल जाएगा. आपको खाली आपके इंटीरियर का और रेस्टोरेंट के डिपॉजिट का जो खर्चा करना है, उतना ही आपका खर्चा एक्स्ट्रा होगा. यानी कि हम कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं कर रहे फॉर एनी सॉर्ट्स ऑफ यू नो अपग्रेडेशन अपग्रेडेशन टू रेस्टोरेंट मॉडल फ्रॉम दिस क्लाउड किचन मॉडल. तो हम इसको अभी थोड़ा थोड़ा समझते हैं. मैं पूरा बिजनेस प्रपोजल आपको आगे वाले एक 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर पूरा बिजनेस प्रपोजल मैं आपको समझा दूंगा. सो लेट्स मूव ऑन. ये आपका जो आप अपने स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं, दिस इज अबाउट आवर ब्रांड. एज आई टोल्ड यू दैट वी बिलोंग्स टू द सिटी ऑफ पुणे. पुणे से हमने स्टार्ट किया इस ब्रांड को. हमारा हेडक्वार्टर एक्चुअली पुणे में है हमारे सभी ब्रांड्स का, और पुणे से हमने इस ब्रांड को स्टार्ट किया. इसमें अलग अलग आप देख सकते हैं कि लगभग 11 सिटीज में, 6 स्टेट्स में 11 सिटीज में हमारा अभी फिलहाल प्रेजेंस है. सिर्फ फ्रॉस्ट एंड फेदर का मैं बोल रहा हूँ, जिसमें 30 से ज्यादा रनिंग आउटलेट्स अभी हम चला रहे हैं.
अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पे जो रिकग्निशन मिले ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बिजनेस कॉन्क्लेव और फ्रैंकोफ से ब्रांड को रिकग्निशन मिल चुका है अलग अलग चीजों के लिए, जिसको मैं आगे आपके लिए इलेबोरेट करूंगा। तो दिस इज अबाउट आवर ब्रांड। आगे चलते हैं, नाउ आई विल कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस विच इज योर इन्वेस्टमेंट। अभी जब आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरा आपके इस प्रोजेक्ट का जो आपका इन्वेस्टमेंट जाता है दिस इज 7.5 लाख रुपीस फॉर क्लाउड किचन ओनली। अभी क्लाउड किचन में दो तीन चीजें जो है वो अलग होती है नॉर्मल रेस्टोरेंट से। एक तो आपको यहाँ पे फुल फ्लेज रेस्टोरेंट के लिए जैसा आपको हाई स्ट्रीट पे मॉल्स पे या किसी सॉर्ट ऑफ के किसी अच्छी जगह पे जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है, कोई मार्केट प्लेस पे जो प्रॉपर्टी चाहिए होती है, ऐसा प्रॉपर्टी आपको क्लाउड किचन के लिए नहीं चाहिए। आपको क्लाउड किचन के लिए जो प्रॉपर्टी यहाँ पे चाहिए वो इस तरीके का प्रॉपर्टी चाहिए जो प्रॉपर्टी आपके रेसिडेंशियल एरियाज में हो, आजू बाजू में आपके अच्छे रेसिडेंशियल लोग रेसिडेंशियल कम्युनिटीज हो, उतना ज्यादा उसका रेंट नहीं हो। क्योंकि जब आप इंटीरियर में प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका रेंट उतना ज्यादा नहीं होता आपका, आप रादर देन जब आप किसी इसमें प्रॉपर्टी लेते हैं, किसी हाई स्ट्रीट में प्रॉपर्टी लेते हैं या फिर आप किसी मॉल्स में प्रॉपर्टी लेते हैं, उस समय आपका जो रेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी किसी क्लाउड किचन के लिए जब प्रॉपर्टी लेते हैं, दिस एक्चुअली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ योर होम। आप आपके घर से भी इसको स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि बेसिकली आपको इसमें सिर्फ होम डिलीवरीज करानी है। ऐसी होम डिलीवरीज करानी है जो रेसिडेंशियल एरियाज में ही ज्यादातर जानी है, इसीलिए आपका प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल एरिया में ही चाहिए। और वैसे जगह पे आपका रेंज होता है वो नॉर्मली बहुत कम होता है कंपेरेटिव टू मार्केट। जैसे कि आपका 50,000 रुपए का अगर रेंज मार्केट में आप अगर लेते हो, कोई भी आज अगर 300-400 स्क्वायर फीट का अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहो तो उसका रेंट मार्केट में लगभग 40 से 50 हजार होगा, आप चाहे किसी भी शहर में हो। एकदम छोटा शहर है तो शायद आपका रेंट कम होगा, लेकिन अगर आप अच्छे खासे एक डिस्ट्रिक्ट पे लेकिन वही अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में ऐसा कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो, ऐसा कोई आप अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो तो ऐसे जगह पे आपका रेंट जो होता है वो पूरा लगभग एकदम आपका 80% to 70% to 80% कम हो जाता है। यानी कि उस समय आपको जो रेंट देना है इट विल बी अराउंड 10 to 12,000 या फिर 8 to 12,000 के बीच में आपका रेंट होगा। और जब आप 8 to 12,000 के बीच में आप रेंट देते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो रेंट का एक्सपेंसेस होता है ये ऑटोमेटिकली बहुत हद तक कम हो जाता है। तो आपका रेंट का एक्सपेंसेस यहाँ पे 80% आ गया, यानी कि आपके ओवरहेड जो है, आपका जो मंथली जो आपको एक्सपेंसेस देना है वो आपका बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। तो दिस इज अबाउट योर एरिया जो आपको चाहिए। इसमें भी अभी आपको क्लाउड किचन के लिए 300 या 400 स्क्वायर फीट का एरिया रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 100 से 150 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए क्योंकि आपको सिर्फ किचन ऑपरेट कराना है वहां से, बाकी तो होम डिलीवरीज ही कराना है। अभी बहुत से जो पिछले एक महीने में जो हमने साइन अप किए हमारे जो बहुत से क्लाइंट्स है, दे हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ देयर होम, फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ देयर बैकयार्ड, या फिर आपका कॉर्टयार्ड हो गया, आपका बैकयार्ड हो गया, आपका टेरेस हो गया, ऐसे जगह से हमारे बहुत से लोगों ने इसकी शुरुआत की है। ये क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी रेंट पे भी नहीं लेना चाहे और अगर आप आपके घर से भी स्टार्ट करना चाहे तो क्लाउड किचन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम इटसेल्फ। तो ये हो गया आपके क्लाउड किचन के एरिया के बारे में। जैसे कि मैंने पहले बताया आपका इन्वेस्टमेंट क्लाउड किचन के लिए है 7.5 लाख रुपए, जिस 7.5 लाख रुपए में अभी आपका सब इसमें जो है इंक्लूडेड है। इसमें आपका फ्रेंचाइजी फीस इंक्लूडेड है, इसमें आपका किचन का इक्विपमेंट इंक्लूडेड है, आपके सभी तरीके के अप्लायंसेस, आपका POS यानी पॉइंट ऑन सेल जो आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है वो आपका इंक्लूडेड है, आपका क्रॉकरी या फिर आपका यूटिलिटी क्रॉकरी या फिर जो यूटेंसिल्स आपको प्रिपरेशन के लिए लगता है, यानी कि इन शॉर्ट A to Z इसमें सब इंक्लूडेड है। टैक्सेस एक्स्ट्रा होगा लेकिन बाकी सब आपका इसमें जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये आपका पूरा मॉडल आपका 7.5 लाख रुपए में ये निकल जाता है। 7.5 लाख रुपए में आपका मॉडल हो जाने के बाद आपका पे बैक पीरियड कितना है, तो लगभग 1 साल का आपका पे बैक पीरियड इसमें आता है और जिसमें आपका ROI जो एवरेज ROI है वो आपका है लगभग 150%। अभी ये एवरेज ROI कैसे वर्क करता है ये मैं आपको थोड़ी देर में आगे जाके आपको समझाऊंगा। एग्रीमेंट का आपका टर्म होता है इट्स फॉर 5 ईयर्स। अभी 5 ईयर्स का जो आपका टर्म है ये 5 ईयर्स का टर्म आपका रिन्यूएबल है, यानी कि हर 5 साल के बाद हम आपके इस एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे। 5 साल के बाद आपको कोई भी रिन्यूअल चार्जेस देने की जरूरत नहीं है,
यानी कि आपका रिन्यूअल के वक्त आपको कोई भी चार्जेस नहीं है, आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं है, बस आपका एग्रीमेंट जो है वो 5 साल के टर्म में रिन्यू होता रहेगा। इसके लिए रिन्यूअल के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आप ये ऐसा कह सकते हैं कि ये आपका जो एग्रीमेंट है दिस इज फॉर द लाइफ टाइम बेसिस। ये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो नाउ नेक्स्ट वी विल मूव द प्रॉफिट मार्जिन्स और किस तरीके से आप आपका प्रॉफिट बनाते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। जब भी आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो मेरी अभी जितनी बिजनेस की समझ है पिछले 5 से 6 साल में मैं जितना बिजनेस कर रहा हूँ उससे मैंने एक ही चीज समझी है कि अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे आपको ये करना है, जहां पे आपको शॉप रेट बहुत सारे एक्सपेंसेस है, ऐसे वक्त आपका जो प्रॉफिट डिसाइड करता है, वो प्रॉफिट डिसाइड करने वाली अगर कोई चीज है तो वो है आपका प्रॉफिट मार्जिन। आपको कितना मार्जिन मिल रहा है यही आपका आखिरी में महीने का आपका प्रॉफिट जो है वो डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आपका एक महीने में एक आध महीने में अगर आपका बिजनेस कम हो जाता है तो आपसे आपका लैंडलॉर्ड ने नहीं कहना है, आपके लैंडलॉर्ड ने कि भाई आप मेरे को रेंट जो इस महीने का कम दे दो या फिर मत दे दो। आपका रेंट तो जाना ही जाना है, आपका जितना भी आपका एक्सपेंसेस है वो तो होना ही है, आपको आपके बच्चे की सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपको लेना ही है, ये सब चीजें तो आपको पे करना ही है। तो इसी वजह से आपका रेंट आपका ये फिक्स कॉस्ट रहने वाली है। तो आपका जो प्रॉफिट है ये डिसाइड होगा कि आपको कितना मार्जिन है उसके ऊपर से। क्योंकि आप इस बिजनेस से पढ़ रहे हो या फिर किसी भी बिजनेस में आप बिजनेस कर रहे हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महीने के आखिर में हम 2 पैसा कमाना चाहते हैं। अगर मैं 2 पैसा महीने के आखिर में नहीं कमा, अगर मुझे नहीं मिल रहा है उस बिजनेस, तो बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। अगर मैं वो देखना चाहूँ कि मुझे महीने के आखिर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस चीज से आ रहा है, तो वो ही आपको वो फैक्टर्स आप ढूंढने पड़ेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस फैक्टर्स आपका बिजनेस का प्रॉफिट के आखिर में डिसाइड करेंगे। और मेरे हिसाब से वो फैक्टर है कि आपको कितना प्रतिशत मार्जिन मिल रहा है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। फ्रॉस्ट एंड फेदर के सभी प्रोडक्ट के ऊपर हम आपको मिनिमम 75% का मार्जिन कोट करते हैं। यानी कि ये आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं उस पेज पे भी आऊंगा वापस, ये जो आप देख पा रहे हैं ये फ्रॉस्ट एंड फेदर का मेन्यू है। मैंने यहाँ पे पूरा एक्सटेंसिव मेन्यू नहीं लाया है, मैं कुछ मेन्यू यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि आपको मैं समझा पाऊँ कि किस तरीके से आपकी मार्जिन जो है वो वर्कआउट होती है। तो ये जो आप मेन्यू देख पा रहे हैं, इस पूरे मेन्यू में ऐसी एक भी चीज नहीं है जिसके ऊपर आपका प्रॉफिट मार्जिन ये 75% से कम हो। यानी कि आपके सभी प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिनिमम 75% का मार्जिन है। यही नहीं, यहाँ पे बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपका मार्जिन ये 90% से भी ज्यादा हो जाता है। जैसे कि ये हॉट चॉकलेट है, ये फ्रोस्ट शॉट है, उसके बाद आपका ये इसका ये आपका बर्गर का और क्लब सैंडविचेस का सेक्शन है। ये जो सेक्शन आपके हैं, इस पूरे सेक्शन में आपका जो मार्जिन है ये बढ़कर हो जाता है लगभग 90% से भी ज्यादा। यानी कि जैसा अब ये आपका हॉट कॉफी का सेक्शन है, इस हॉट कॉफी के सेक्शन में आप जितना भी प्रोडक्ट देख रहे हैं लगभग 30-40-50-70 रुपए का आप इसको बेच रहे हैं। इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप कंसिडर कीजिए, लेट्स सी कि अगर ये कैपेचिनो हम कंसिडर करते हैं तो इस कैपेचिनो का कॉस्टिंग है 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपए में आप इसको बेच रहे हैं। ये 50 रुपए में जो कैपेचिनो आप बेच रहे हैं ये आपको सिर्फ 5 रुपए में आना है। 5 रुपए में आपको ये कैपेचिनो मिलेगा और आप इसको 50 में बेचोगे, यानी आपका मार्जिन हो गया 90%। सेम वे जो ये फ्रोस्ट शॉट है यहाँ पे, इसमें आप चॉकलेट शॉट से 60 रुपीज का देख रहे हैं, ये शॉट आपको सिर्फ 5 रुपए में बनना है और आप इसको 60 रुपीज में बेच रहे हो, यानी कि आपका जो मार्जिन है इट इज इवन मोर देन 90%। ये ऐसे बहुत से प्रोडक्ट है जिसपे आपका मार्जिन 75% से भी ज्यादा है। कुछ प्रोडक्ट पे जैसे कि मैंने बताया कि आपका मार्जिन 90% से भी ज्यादा है। तो ये जो 90% का आपका मार्जिन है ये किस तरीके से वर्कआउट होता है, अभी आप यहाँ पे जो हम देख रहे कि 7 का आपका मार्जिन है कुछ प्रोडक्ट के ऊपर, कुछ के 90 के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपका फूड कॉस्ट ये सिर्फ 25% है। यानी कि 100 रुपए की अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो ये आपको 25 रुपए में मिल जाएगी, आप इसको 100 में बेचोगे मिनिमम, मतलब आपका मिनिमम मार्जिन उतना है। यानी कि आपका मैक्सिमम फूड कॉस्ट सिर्फ 25% का है, ये आपका हो गया फूड कॉस्ट। अभी मार्जिन बताने के अलग अलग तरीके हैं।
इस तरीके में ना पड़े। मार्जिन वर्क को आप किसी भी ब्रांड के साथ अभी आप जाएंगे, बहुत से लोगों से आप मिलेंगे, तब आप देखेंगे कि आपको मार्जिन बताने के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। मार्जिन के लिए आपको मैनिपुलेट किए जाने की संभावनाएं बहुत है। किस तरीके से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अगर समझ लीजिए आपको कोई बोलता है कि मेरा मार्जिन 70% का है, मैं आपको 70% का मार्जिन दे रहा हूँ, तो अगर 70% का मार्जिन दे रहे तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब होना चाहिए कि आपका फूड कॉस्ट है 30% है, तभी जाके आपका मार्जिन आ रहा है 100%, आपका मार्जिन 70% आ रहा है। लेकिन उनका कहने का मतलब ये वैसा नहीं होता, इस चीज को मैनिपुलेट किया जाता है। कैसे? आपको 50 रुपए में एक चीज दी जाएगी, आपको बोला जाएगा कि 70% इसके ऊपर आपको मार्जिन है, 70% अगर आपको उसके ऊपर मार्जिन है तो आपको कहा जाएगा कि 50 रुपए की चीज आप उसको बेचो 85 रुपीज में, 85 रुपीज में आप उसको 50 की चीज बेच रहे हो, यानी कि 50 की चीज के ऊपर आपने 35 रुपए कमा लिया। और जब आप 35 रुपए कमा रहे हो, 50 रुपए का 5 रुपए मतलब हो गया 10% और 35 रुपए यानी हो गया 70%। तो इस तरीके का आपका मार्जिन का मैनिपुलेशन किया जाता है। आपको बोला जाएगा कि मैं आपको 100% मार्जिन देता हूँ, अभी 100% मार्जिन देना पॉसिबल ही नहीं है। 100% मार्जिन किस तरीके से बोला जाता है? आपको बोलेंगे, आपको एक चीज दी जाएगी 50 रुपए में और बोलेंगे 50 की चीज आप 100 में बेचो, 50 के ऊपर आपने 50 कमा लिया, हो गया 100%। सो दिस इज नॉट द राइट वे। आप किसी से भी, चाहे फूड बिजनेस की आप बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी और बिजनेस की बात कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस में हो, जहां पे भी रिटेल इन्वॉल्व है, जहां पे आपको हेवी रेंज देना है, ऐसे हर जगह पे आपका सही क्वेश्चन किसी को भी पूछने का ये होगा कि आपका फूड कॉस्ट क्या है, या फिर आपका, अगर आप फूड इंडस्ट्री में नहीं है कोई और इंडस्ट्री में, तो राइट क्वेश्चन वुड बी कि आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है। एक सिंपल भाषा में कहा जाता है कि भाई मैं अगर इस चीज को 100 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरे को इतना बताओ कि मुझे कितने में मिलेगा, बाकी हिसाब मैं जोड़ लूंगा, मुझे कितने में देगा ये बताओ। तो दिस वुड बी द राइट क्वेश्चन, तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली मार्जिन कितना मिल रहा है। अभी इसी मार्जिन के सिनारियो को मैं थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ। अभी आप अगर देखेंगे तो हम इसको मंथली हमारे लेके जाएंगे, हमारे मंथली एक्सपेंसेस में, हमारे पूरे मंथली किस तरीके से हमारा मंथ वर्कआउट होता है, किस तरीके से आपका आरओआई निकलना है, किस तरीके से आपकी रेवेन्यू जनरेट होनी है, इस हिसाब में हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। अभी समझ लीजिए, इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको 4 कॉलम्स दिख रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप ये चौथा कॉलम जो है ये थोड़ा सा पिक्चर से बाहर निकाल लीजिए, अभी हम फिलहाल इस 2 कॉलम के ऊपर बात करेंगे। ये हम अभी क्या कर रहे हैं, हम क्लाउड किचन के मॉडल को हम अभी कंपेयर कर रहे हैं किसी भी और ब्रांड के साथ। तो लेट्स सी, कोई भी अगर दूसरा ब्रांड है अगर आपको मार्जिन दे रहा है, नॉर्मली आज मार्केट में आप किसी भी ब्रांड के पास जाए आपको 15-18 या 20% से ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता। आपको मार्जिन मिलता है उसी रेंज में, 15-20% की रेंज में। अगर आप होलसेलर है तो आपको 10-12% का मार्जिन मिलता है और उसके बाद आपका ये होता है। लेकिन अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो आपको 22-25-26% से ज्यादा मार्जिन किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं आता। उस केस में आपको करना क्या, उस केस में आप आपका कैसे जोड़ेंगे? तो हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हैं या फिर जब आप बाकी ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो उस दोनों केस में आपका मार्जिन किस तरीके से वर्कआउट होता है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप ये पहला जो ये दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हमने बताइए कि कौन से आपके एक्सपेंसेस होने हैं, क्या है। ये दूसरा जो आप कॉलम देख रहे हैं ये बाकी ब्रांड के कंपैरिजन में हमने पकड़ा है, और तीसरा जो कॉलम देख रहे हैं फ्रॉस्ट एंड फेदर का। सो लेट्स सी कि 20-25 भी नहीं, कोई ब्रांड है आपको 40% का मार्जिन दे रहा है, 35-40% का अगर आपको कोई मार्जिन दे रहा है, तो अगर आप 2 लाख रुपए का भी बिजनेस करते हैं, यानी कि टोटल मंथली बिजनेस अगर आप 2 लाख रुपए का भी कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए के बिजनेस पे अगर आपको 40% का मार्जिन मिल रहा है, तो यानी कि आपको लगभग 1,20,000 रुपए से 1,25,000 रुपए ये आप खाली आपके फूड पे ही खर्च कर रहे हो, यानी कि आपका मार्जिन सिर्फ 80,000 है। 2 लाख रुपए का टोटल बिजनेस करने के बाद भी आपका जो मार्जिन हुआ, आपको जो मिला वो खाली 80,000 मिला। 1,20,000 से 1,25,000 को आपका लेके गया आपका फ्रेंचाइजर जिसने आपको फूड सप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जब भी आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपको वेस्टेज कंसिडर करना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपका जो रेस्टोरेंट में आप काम करें तो उससे 5-10% का जो फूड है वो रोज थोड़ा ना थोड़ा वेस्टेज जाएगा, थोड़ा ना थोड़ा वेस्ट होगा, ये आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो वो वेस्टेज हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे लगभग 20,000। रेंट होगा आपका, क्योंकि ये क्लाउड किचन है, जैसे कि मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया कि क्लाउड किचन में आपको ज्यादा
ये करने की ज्यादा प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं होती, आपको खाली रेसिडेंशियल एरिया में थोड़ा सा अंदर भी है तो भी प्रॉपर्टी लेना है क्योंकि आपको खाली फूड डिलीवरी करना है, यू कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम द फैसिलिटी ऑफ योर होम एज वेल। लेकिन हम कंसिडर करते हैं फिर भी कि 10,000 आपका एक क्लाउड किचन का रेंट है। लेबर कॉस्ट, अभी लेबर कॉस्ट जो आपका है ये आपका वैरी कैसे होना है, अगर आपका बिजनेस समझ लीजिए एक 2 लाख के अंदर अंदर है, तो आपका 2 लाख के अंदर अगर आपका बिजनेस है तो आपका एक बंदा बहुत अच्छी तरीके से क्लाउड किचन मैनेज कर सकता है, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट होते हैं दिस कम्स इन अ प्रिपेयर्ड फॉर्म, उसका एक सिस्टम बैठा हुआ है, इसका एक सिक्वेंस है जो हम आपको सिखाएंगे, आपके बंदे को ट्रेन करेंगे, उसी वक्त आपका आपको पता चल जाएगा कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत आपको करनी नहीं है, ये आपको रेडी सेटअप की तरह आता है, लेकिन सब फ्रेश बनता है। ऐसा नहीं है रेडी सेटअप आता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम पिज्जा है तो पिज्जा किसी बेकरी से लेके आएंगे तो उसका बेस लेके आएंगे उसको, नहीं, हम सिर्फ सब चीजें फ्रेश बनती है, लेकिन इसका एक सिस्टम है जिस सिस्टम की वजह से आपके जो स्टाफ है उनका काम बहुत आसान हो जाता है और साथ में आपके कस्टमर्स को बहुत ही क्विक सर्विस मिलता है। तो उसकी वजह से आपका अगर 2 लाख का बिजनेस है तो भी आप एक बंदे में बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो उसका सैलरी आपका हो गया 10,000, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका हो गया 5,000 और बाकी का कॉस्ट आपका है, एक पकड़ लीजिए टेंटेटिव कोई भी अदर कॉस्ट हो सकता है, इंटरनेट हो गया और कुछ हो गया, 5,000 आपका वो कॉस्ट हो गया। ये सभी खर्चा निकाल लाने के बाद आपके पास लगभग 20,000 से 25,000 बच रहा है एज ए नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो आप अगर नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास खाली 20,000 से 25,000 रुपए बच रहा है आपने 2 लाख का बिजनेस करने के बावजूद। अगर एक आध महीने में ये 2 लाख का बिजनेस अगर आपका थोड़ा सा कम हो गया तभी जाके आगे अगर आप आगे जाकर अगर आपका एक आध महीने में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो गया, और एक आध महीने में अगर आपका बिजनेस से कम ज्यादा हो सकता है, अगर आपका एक आध महीने में बिजनेस 1.5 लाख का हो गया 2 से, तो फिर तो आपको आपके जेब से देना है। और वही यही सेम सिनारियो हम अभी कंपेयर कर रहे हैं फॉस्टर फेदर के साथ, जहां पे आपका मार्जिन 75% का है। जब आपका 75% का मार्जिन आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर के ऊपर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब आप सेम 2 लाख का बिजनेस फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ कर रहे हो तो आपका फूड कॉस्ट सिर्फ 50,000 है, जो आपका दूसरे केस में 1,25,000 के आसपास हो रहा था, वो सेम चीज आपकी यहाँ पे अभी सिर्फ 50,000 रुपए है। आपकी फूड कॉस्ट सिर्फ 50,000 है, यानी कि आपका जो मार्जिन है वो आपका 1,50,000 रुपए हो गया, ये आपका हो गया ग्रॉस मार्जिन। और जब आपका ग्रॉस मार्जिन 1,50,000 रुपए का है तो उसका मतलब अभी आप बाकी के सभी चीजें जो है वो कंपेयर कर लीजिए, बाकी की सभी चीजें लगभग वैसी की वैसी है जो आपके दूसरे ब्रांड के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले कंपेयर की थी। तो आप जब कंपेयर कर रहे हो तो रेंट आपका उतना ही है, लेबर कॉस्ट उतना ही है, इलेक्ट्रिक कॉस्ट उतना ही है और बाकी का खर्चा उतना ही है। अभी सिर्फ फूड वेस्टेज में हमने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये फूड वेस्टेज में हमने 0 क्यों लिखा है? जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ काम करते हो तो हम आपको इस चीज का गारंटी देते हैं कि आपका कोई भी फूड किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होगा, ये हमारा गारंटी है। उसका कुछ सिस्टम्स हमारे पास है, कुछ हमारा हमने उसके ऊपर से जिस तरीके का हमारा रिसर्च है, जिस तरीके का हमने इसमें एक्सपर्टाइज डाला है, उससे हमने ये चीज अचीव की है कि आपका जो रेस्टोरेंट वेस्टेज है विदाउट कीपिंग एनीथिंग, आपको कोई दूसरा दिन यूज नहीं करना है किसी चीज को, आप किसी भी तरीके से आपको कोई भी फूड आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपको कोई बासी नहीं देना है, सब चीजें कंसिडर करने के बाद भी आपका जो वेस्टेज है ये 0% रहेगा। ये कैसे रहेगा ये हम आपको आपके ट्रेनिंग के वक्त समझाएंगे, आपको 1 भी रुपया आपको देना नहीं है इसके वेस्टेज के ऊपर। और सेम चीज में 2 लाख आपको नेट प्रॉफिट मिल रहा है, आपका नेट प्रॉफिट 1 रुपये ऊपर है जब आप इसको 2 लाख रुपए के बिजनेस कर रहे हो। अभी जब 2 लाख रुपए का आपका बिजनेस है और आपका 1,20,000 का प्रॉफिट है और जो सेम आपको 2 लाख रुपए के बिजनेस पे यहाँ पे मिल रहा है 25,000 रुपए का प्रॉफिट, तो ये आप सीधा कंपेयर कर सकते हो कि आप किस लिए ये चीज कर रहे हो। क्योंकि देखिए आप ये चीज कर रहे हो क्योंकि आपको महीने के आखिर में 2 पैसा कमाना है, मुझे 2 पैसा कमाना है, आपको 2 पैसा कमाना है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका प्रॉफिट मार्जिन ये किस एक हद तक होगा, जब आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी तरीके से होगा। यहाँ पे आपका 2 लाख का बिजनेस अगर एक आध महीने में कम भी हो जाता है, कभी कभार अगर ये आगे जाके आपका बिजनेस 50,000 से कम भी हो गया, तब अभी आपकी आखिरी कॉलम देखिए, अगर आपका 1,50,000 का भी ये बिजनेस होता है यहाँ पे भी, तो उन सेम कंडीशन में भी आपका फूड कॉस्ट, आपका इलेक्ट्रिसिटी रेंट सब मैनेज करने के बाद भी आपका जो नेट प्रॉफिट है इट इज 82,000 अप्रोक्सीमेटली, विच इज मोर देन 50% ऑफ योर नेट बिजनेस।
आपके टोटल बिजनेस के 150,000 का आपका टोटल बिजनेस है, जिसके 50% से भी ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट बन रहा है. तो दिस इज द वे वी डू इट. इस तरीके से आपका प्रॉफिट मार्जिन वर्कआउट होगा. और ये प्रॉफिट मार्जिन वर्कआउट होने का सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है जब आप बिजनेस में ये किसी भी बिजनेस के लिए जाते हो. तो यही इसी चीज के लिए हम आपसे चार्ज कर रहे हैं, इसी चीज के लिए आप फ्रेंचाइजी लेते हो ताकि आप प्रॉफिट ज्यादातर बना सको. तो ये आपका हो गया प्रॉफिट्स के बारे में, ये मार्जिन के बारे में आपको एक लगभग मैंने सब चीजें इसके बारे में क्लियर कर दी है. अभी आगे जाके अगर आप इसी मॉडल को अगर आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो रेस्टोरेंट मॉडल में, फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल में, तब ये कैसे वर्कआउट होगा. तो रेस्टोरेंट मॉडल में नॉर्मली आपका बिजनेस ज्यादा होता है क्योंकि आप एक अच्छे लोकेशन पे भी जाते हो, आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी आपने ली होती है, आपने रेंट पे एक अच्छी प्रॉपर्टी ली होती है, उसका रेंट भी ज्यादा होता है. तो उस वक्त आप इसको कैसे मैनेज करोगे, समझ लीजिए. रेस्टोरेंट बिजनेस अगर आप उसको सेम रेस्टोरेंट बिजनेस को भी अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो तो 3 लाख का अगर आपका रेवेन्यू रेस्टोरेंट बिजनेस से आ रहा है, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोविड सिचुएशन के बाद इसको आपके आप क्लाउड किचन मॉडल को अगर आप रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यू कैन कन्वर्ट दैट मॉडल इनटू रेस्टोरेंट. और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लगनी है, खाली आपको आपका जो इंटीरियर का कॉस्ट पड़ना है उतना ही कॉस्ट आपको जो है वो बियर करना है, और इसके अलावा आपको कोई भी कॉस्टिंग इसमें नहीं लगना है. इसलिए मैं आपको रेस्टोरेंट मॉडल का भी 2 मिनट में समझा रहा हूँ. सेम चीज है, आपको देखना है कि 3 लाख रुपए का अगर आपका टोटल बिजनेस है तो आपका फूड कॉस्ट जो है यहाँ पे आ रहा है लगभग 1,80,000 रुपए, 40% ऑफ योर टोटल बिजनेस. आपका फूड वेस्टेज हमने यहाँ पे 20,000 कंसिडर किया है. रेंट रेवेन्यू आपके प्रॉपर्टी का, क्योंकि अभी आप अच्छे जगह पे मार्केट में या फिर किसी हाई स्ट्रीट में प्रॉपर्टी लोगे तो आपको 50,000 रुपए तक का आपको रेंट भरना पड़ेगा, ये आपका रेंट है. लेबर कॉस्ट, 3 बंदे आपको लगना है किचन में, सर्विंग में और सब चीजों का कंसिडर करके, फिर 3 बंदों का टोटल सैलरी आपका जाएगा 30,000 रुपए. 10,000 आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आएगा और अदर कॉस्ट सब मिला के आपका 5,000 रुपए आप पकड़ लो. ये सब खर्चा जाने के बाद भी आपका सिर्फ आपके पास बच रहा है 5,000 रुपए जब आप किसी अदर ब्रांड के साथ काम करते हो. इस तरीके से आपका जो है वो मार्जिन वर्कआउट हो रहा है. और सेम सिचुएशन को आप फ्रॉस्ट एंड फेदर में कन्वर्ट कीजिए. जब फ्रॉस्ट एंड फेदर में आप इसके साथ काम करें तो 75% के मार्जिन की वजह से आपका नेट प्रॉफिट लगभग 1,30,000 बन रहा है, जो एक फुल फ्लेज रेस्टोरेंट मॉडल में आपका 45% के आसपास बनता है, विच इज बिगर देन द ह्यूज. 45% का आपका प्रॉफिट आपको बन रहा है एज अ नेट प्रॉफिट सब खर्चा जाने के बाद, इट इज एक्चुअली बिगर देन द ह्यूज. तो ये है आपका मॉडल जिस तरीके से वर्कआउट होगा. सेम इस मॉडल में अगर आप देखते हो तो 3 लाख का बिजनेस, अगर जैसे मैंने पहले बताया कि कभी कभार अगर 2 लाख हो गया, 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, तो आपको तो आपके जेब में से ये सब खर्चा कराना है. लेकिन सेम चीज जब आप फ्रॉस्ट एंड फेदर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, 75% का आपका मार्जिन है, तो उसकी वजह से अगर आप 2 लाख का भी बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ, उस 2 लाख रुपए के बिजनेस पे भी आप लगभग 80,000 रुपए बचा पा रहे हैं, क्योंकि आपका मार्जिन जो है वो आपका 75% है. उसकी वजह से यही चीज है, मेरा ये कंपैरिजन और टेबल दिखाने का सिर्फ इतना ही इंटेंशन है, क्योंकि आपको ये समझ में आए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बिजनेस जो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल कराएगी, जो आपको आपके बिजनेस में महीने के आखिर में 2 पैसा कमा के देगी. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही समझनी होती है जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो. मैं बिकॉज बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए भी नए होते हैं, कोई लोग रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए नए होते हैं, और बहुत से लोग पूरे बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए ही नए हैं. ऐसे वक्त में मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उनको बताऊं, मैं उनको एजुकेट करूं कि कौन से फैक्टर्स देखना सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. और ये वो फैक्टर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो ये फैक्टर है ये यही बनता है कि आप किस तरीके से इसको वर्कआउट करा रहे हो. ये हो गया आपका मार्जिन के बारे में. Now next we will move on to some other things. जैसे कि मैंने बताया आपको कि it's a preferred hangout joint in the cities we are operating, जहाँ पे बहुत सी जगह पे जो successful हुआ है वहाँ पे लोग किस तरीके से prefer कर रहे हैं Frost and Feather को. हमारे सभी जो snacking options है वो बहुत ही affordable है. आपने ये मेनू में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारी प्राइसिंग सेट की हुई है, और इस प्राइसिंग के ऊपर आपको 75% का मिनिमम मार्जिन है. ऐसा नहीं है कि 75% का मार्जिन देने के लिए मैं मेरे प्राइसेस बढ़ा रहा हूँ, तो वो 75% का मार्जिन उसमें कोई मतलब नहीं है. लेकिन 75% का मार्जिन किसी भी कस्टमर्स को प्रॉफिट फ्रेंडली होने के बावजूद अगर आपको 75% का मार्जिन मिल रहा है तब जाके उसमें मजा, और ये इस तरीके से हम काम कर रहे हैं. तो ये हो गया आपका मार्जिन, ये किस पे आ रहा है कैसे, ये मैंने आपको समझाया. Now next we will move to the next section. जैसे हम बता रहे हैं कि हम पूरे पैन इंडिया एक्सपैंड कर रहे हैं, मैसिव एक्सपेंशन प्लानिंग ये चल रहा है, ऑपरेशन हमारे अभी चल रहे हैं.
जिसमें हम अलग अलग हर शहर में अभी भी फिलहाल हम 6 states में काम कर रहे हैं और ज्यादातर इस साल में क्लाउड किचन के माध्यम से हम बहुत नए स्टेट्स में और नए शहर में हमारा ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट करेंगे, ऐसा हम आगे लेके चल रहे हैं। अभी दूसरा एक बात आती है कि जब आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए जा रहे हैं तो किस तरीके का सपोर्ट आपको फ्रेंचाइजर से मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है और वो हम मैं अभी आगे के 5 मिनट में आपको पूरा उस चीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। एक सिस्टम हमने इसके लिए बना के रखा है, एक मैनेजमेंट सिस्टम हमने बना के रखा हुआ है जिस सिस्टम के तहत आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पूरे आपके बिजनेस को सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने अलग अलग पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, जैसे सेटअप हो गया, ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट हो गया, आपका सप्लाई एंड सोर्सिंग हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ऑपरेशन मैनुअल्स हो गया, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशनल, ये सभी चीजों की जिम्मेदारी फ्रॉस्ट एंड फेदर की होती है, उनके फ्रेंचाइजी की नहीं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात सेटअप और स्टोर किचन पे आते हैं। जब सेटअप की बात है तो सेटअप का पूरा जो आपका, चाहे क्लाउड किचन हो चाहे आपका फुल फ्लेज रेस्टोरेंट हो, ये पूरा सेटअप आपको हमारी तरफ से आना है, पूरा सेटअप हमारी तरफ से आना है, पूरा चीज हम आपका करके देंगे। जैसे कि अगर आप किचन सेटअप कर रहे हैं तो किचन सेटअप करने के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए, जो भी किचन के लिए आपका इक्विपमेंट आना है, अप्लायंसेस, सभी चीजें जो आने हैं, चाहे आपका कहीं पे फर्नीचर लगना है, किचन टेबल्स लग सकते हैं, बाकी चीजें लग सकती है, आपका सॉफ्टवेयर, आपका हार्डवेयर, ये सभी चीजें आपको ब्रांड की तरफ से आनी है। यानी कि हम आपको ये सारी चीजें भेजेंगे, आपको कहीं पे भी इस चीजों को ढूंढने के लिए मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पे भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप देख रहे ढूंढ रहे कि मुझे कैसे चीजें मिलेगी, कौन से स्पेसिफिकेशन मिलेंगे, कैसा मिलेगा, नहीं, ये सीधा ब्रांड की तरफ से आपको आपके डोर पे डिलीवर कर दी जाएंगी, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये सभी इक्विपमेंट्स और जो चाहिए ब्रांड्स को चाहिए उस तरीके की हार्डवेयर या फिर आपका इक्विपमेंट ढूंढने के लिए या फिर आपके अप्लायंसेस ढूंढने के लिए, और उसी इसके साथ साथ आपका जो पूरा वहां का सेटअप है, वहां पे जो भी सिविल वर्क या फिर जो भी थोड़ा बहुत इंटीरियर का काम करना है, वो पूरा काम, क्लाउड किचन में बहुत ज्यादा इंटीरियर का काम होता नहीं है, आप अगर रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा वो पूरा जिम्मा आता है। तो वेदर यू आर स्टार्टिंग ए रेस्टोरेंट या फिर आप क्लाउड किचन कोई भी आप शुरू कर रहे हैं, दोनों केस में ये पूरा जिम्मा फ्रेंचाइजर का होता है, हमारा होता है। आप जब हमें प्रॉपर्टी का पोजीशन देंगे तो हम आपके हाथ में आपके स्टोर की रेडी चाबी देंगे, वी विल कीज टू यू, चाबी दूंगे हम आपके हाथ में, इस हद तक आपका काम जो है वो हम पूरा करके देंगे। इस हिसाब से आपका ये सेटअप का काम किया जाएगा। सेटअप के बाद चीज आती है ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट। अभी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि मतलब बहुत लोग जो डरते हैं रेस्टोरेंट में आने के लिए, वो इसलिए डरते हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए कि आपका स्टाफ का मैनेजमेंट कैसा होगा, हमें स्टाफ कैसे मिलेगा, स्टाफ का बहुत प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से आपके रेस्टोरेंट पे आने वाला हर स्टाफ ये फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से आएगा, आपको कोई भी चीज स्टाफ ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यही नहीं, एक बार स्टाफ आने के बाद अगर कोई बंदा आपका छोड़ के जाता भी है और आपको नए बंदे की जरूरत है तो वो भी आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर की तरफ से दिया जाएगा, यानी कि आपका रिप्लेसमेंट भी जो स्टाफ है वो भी फ्रॉस्ट एंड फेदर से आएगा। स्टाफ का ट्रेनिंग पूरा हमारा जिम्मा होगा, उसका पूरा ट्रेनिंग हम कराएंगे, उस स्टाफ का सारा जो आपको देने की जिम्मेदारी है, उसको रिक्रूट करने का जिम्मेदारी है वो हमारा है, वो हम करेंगे, और खाली आपको उसके सैलरी उसको जो है वो पे करनी है, जैसे मैंने आपको पहले बिजनेस प्रपोजल में समझाया हुआ है। तो स्टाफ का, उनके ट्रेनिंग का, उसके रिक्रूटमेंट का जिम्मेदारी आपका बिल्कुल नहीं है, हर बार वो जिम्मेदारी फ्रॉस्ट एंड फेदर का है, वो हमारी तरफ से ही आपको आएगा, उसकी वजह से आपको उसमें भी देखने की जरूरत नहीं है, वो पूरा स्टाफ हमारी तरफ से आपको आना है। तो इस तरीके से आपको ट्रेनिंग या रिक्रूटमेंट में पूरी तरीके से सहायता की जाएगी, सहायता ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट ये पूरी तरीके से हम ही मैनेज करेंगे, आपको इसमें देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सप्लाई एंड सोर्सिंग। तो फ्रॉस्ट एंड फेदर में बनने वाली हर चीज, यहाँ पे जितनी भी चीजें हमारे रेस्टोरेंट में हम सर्व करते हैं, ये सारी चीजें के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल पूरी तरीके से हमारी तरफ से आपको आता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो चीज से लेके आपके डेजर्ट हो, या आपके पिज्जा के बेस बनाने के लिए आपको लगने वाला फ्लावर से लेके, या फिर आपका कोई भी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स हो, वो सारा हमारी तरफ से आता है। सिर्फ एक ही चीज है जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत होती है, यानी कि जिसके लिए आप, जो आपको लोकली सोर्स कराना पड़ता है, एंड दैट इज आपका वेजिटेबल्स, फॉर द ऑब्वियस रीजन कि वो रोज का रोज आपको फ्रेश लेना है, तो वही चीज हम खाली आपको नहीं भेजते, बाकी सभी चीजें जो है
वो आपको हमारी तरफ से रेगुलर बेसिस पे सप्लाई की जाएंगी, वो कभी भी आपका आउट ऑफ स्टॉक जाने का उसमें कभी भी खतरा नहीं रहेगा। तो उसकी वजह से आपको उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, आपका सारा सप्लाई चेन पूरी तरीके से हमारी तरफ से मैनेज किया जाएगा। तो ये आपके सप्लाई चेन के बारे में हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं और ये जो सप्लाई हम आपको दे रहे हैं, ये सप्लाई चेन आपको आपके फूड कॉस्ट के हिसाब से आएगा, यानी कि आपको कोई भी चीज का एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना है। यही नहीं, ये सारा सप्लाई आपके डोर पे हम आपको डिलीवर करेंगे, और डोर पे जब हम आपको डिलीवर करते हैं तो उसका डिलीवरी का ट्रांसपोर्ट का कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता। जो 25% आपका फूड कॉस्ट है, जो मैंने आपको शुरू में बताया, वो 25% आपका इंक्लूडेड है आपके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसमें ही आपका इंक्लूडेड है, यानी कि आपके डोर पे ही आपका कॉस्टिंग है। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। जैसे कि मैंने अप्लायंस और इक्विपमेंट के बारे में पहले बताया कि जितना भी इक्विपमेंट है, जितना भी अप्लायंसेस है, ये सारा अप्लायंसेस, सारा इक्विपमेंट हमारी तरफ से आपको सप्लाई किया जाएगा, आपको देखने के लिए, बाहर ढूंढने के लिए कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब आप मार्केटिंग के बारे में कहते हैं, तो मैंने बहुत से ब्रांड्स देखे हैं अभी इस बिजनेस में होने के कारण, बहुत से लोग मैंने, बहुत से फ्रेंचाइजर्स मैंने देखे हैं, जिनके ब्रोचर पे पीछे लिखा हुआ रहता है कि वी विल सपोर्ट यू इन मार्केटिंग, या फिर ऐसा लिखा हुआ रहता है कि ब्रांड विल शेयर इट्स एक्सपीरियंस और इट्स आइडियाज विद द फ्रेंचाइजीज ऑफ फॉर मार्केटिंग। अभी अगर ब्रांड ने फ्रेंचाइजी फीस लेने के बाद, एक फ्रेंचाइजी आपका लेने के बाद, अगर ब्रांड ने सिर्फ आपको मार्केटिंग का आइडियाज ही देना है, तो फिर क्या जरूरत है? आप तो उस वो आपको मार्केटिंग के आइडियाज तो आज YouTube से भी मिल जाएगा, आपको मार्केटिंग का आइडियाज तो Google से भी मिल जाएगा। इसके लिए आपको मार्केटिंग का आइडिया देने के लिए आप मेरे को फ्रेंचाइजी फीस नहीं दे रहे हो, उसके लिए आपने मेरे फ्रेंचाइजी नहीं लिया हुआ है, आपने मेरा फ्रेंचाइजी लिया हुआ है ताकि आपके हर चीज में मैं आपको असिस्ट करूं, या फिर ऑलमोस्ट ऐसा कीजिए कि आपकी हर चीज ये मैं आपके लिए परफॉर्म करूं, मैं आपके लिए करूं, मेरा एक्सपर्टाइज डाल के मैं आपको करूं। उसी लिए ये जो मार्केटिंग की जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमारी तरफ से मैनेज की जाती है, हमारी तरफ से की जाती है। इसमें फ्रेंचाइजीज को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। ये पूरा जो मार्केटिंग का रोल है, ये हमारा होता है, मेरे स्टाफ का होता है, यानी कि हमारा जो मार्केटिंग टीम है, अलग अलग मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू आपके रीजन्स में हम आपके, हमें जिस तरीके का मार्केटिंग चाहिए होता है, वो मार्केटिंग हम आपके लिए वहां पे कराते हैं। अब मार्केटिंग को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने आपको ये बताया कि मार्केटिंग कौन करता है, मार्केटिंग का जिम्मेदारी किसका है, मार्केटिंग का एग्जीक्यूशन किसका होगा, ये तो हमारा होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा अभी इस मार्केटिंग को किस तरीके से किया जाएगा, उसके क्या कुछ आइडियाज होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हमारी एक दो चीजें आपके साथ खाली इसमें शेयर करूंगा कि किस तरीके से मार्केटिंग किया जाता है। अभी सबसे एक दूसरी इस पे थे कि मार्केटिंग को हमने एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक मार्केटिंग आपका आता है जो होता है आपका डिजिटल मार्केटिंग, या फिर सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग जिसको हम बोलते हैं। तो सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग में क्या आएगा, सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग में आपका सारा डिजिटल मार्केटिंग आएगा। सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग में आपको ये कहा बताया जाएगा कि आपके किस तरीके से आपने मार्केटिंग करना, किस तरीके से आपका सेंट्रल मार्केटिंग करना है, हम सब ये चीजें हमारे लिए, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी ब्रांड को ही करना है, जिसमें आपका डिजिटल मार्केटिंग आ गया, जिसमें आपका रेडियो कमर्शियल्स आ गया, न्यूज़पेपर कमर्शियल्स आ गया, अलग अलग ब्रांड्स के साथ रिचार्ज से लेके बाकी चीजों से टाइप ये आ गया आपके एरियाज में, ये सब चीजें आ गई, ये सब सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग में आया है। और ये सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग पूरी तरीके से ब्रांड की जिम्मेदारी है, ये पूरा ब्रांड करेगा, हम करेंगे, इसमें आपको ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये पूरा मार्केटिंग हमारी तरफ से मैनेज किया जाएगा। तो ये आपका सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग हो गया। तो सेंट्रलाइज्ड मार्केटिंग का जितना भी खर्चा होता है, ये पूरा खर्चा ब्रांड करता है, इसमें फ्रेंचाइजीज को एक रुपए का भी खर्चा देने की जरूरत नहीं होती। ऑल एक्सपेंसेस विल बी बियर्स, हम सभी तरीके के एक्सपेंसेस इसमें जितना भी आना है दैट वी विल बियर, आपको कोई भी एक्सपेंसेस आपके तरफ नहीं इसका फिरना। ये हो गया आपका सेंट्रलाइज मार्केटिंग। दूसरा मार्केटिंग का एस्पेक्ट है इज लोकल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग क्या है? नाउ लोकल मार्केटिंग इज द मार्केटिंग जो हमने सिर्फ आपके एक आउटलेट के लिए आपके एरिया में करना है। सेंट्रलाइज मार्केटिंग ये सेंट्रलाइज होता है सभी आउटलेट्स के लिए, सभी हमारे आउटलेट्स के को इसका फायदा होगा। लेकिन जो लोकल मार्केटिंग होता है, ये लोकल मार्केटिंग ऐसी चीज है जो आपके एक आउटलेट के लिए परफॉर्म की जा रही है, जो आपके एक आउटलेट के लिए आपके एरिया में, आपके आउटलेट के अंदर ये इवेंट होगा, आपके आउटलेट में ये परफॉर्म की जा रही है। यानी कि इस लोकल मार्केटिंग का फायदा ये सिर्फ आपके आउटलेट को पहुंचता है, ये आपके एक आउटलेट को विजिबल बनाने के लिए की जाने वाली मार्केटिंग है।
तो ये किस तरीके से की जाती है? तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर आप क्लाउड किचन में हैं और क्लाउड किचन के बाद अगर आप इसको लेके जाना चाह रहे हैं रेस्टोरेंट मॉडल में, तब आप क्या करेंगे? दोनों किस्म में मैं आपको समझाऊंगा। जब आप इसको रेस्टोरेंट मॉडल में लेके जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट मॉडल में क्या करना है? रेस्टोरेंट मॉडल अगर आप समझ लीजिए कोविड सिचुएशन के बाद इसका रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, तो व्हाट वी विल डू, हर महीने आपके रेस्टोरेंट में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन पूरा ब्रांड की तरफ से किया जाएगा। नॉर्मली ब्रांड इसमें ऐसा करता है, हम इसमें ऐसा करते हैं कि आपके स्टेट में या आपके एक प्रोविंस में हम एक मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट करते हैं, जिसका अपॉइंटमेंट हमारी तरफ से किया जाता है, हम ही अपॉइंट करते हैं, और वो मार्केटिंग एजेंसीज आपके लिए, हमारे लिए ये इवेंट आपके एरियाज में, आपके आउटलेट में ये इवेंट जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, हर महीना ऑर्गेनाइज करते हैं। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन उस मार्केटिंग एजेंसीज के जिम्मे होता है। ये मार्केटिंग एजेंसीज को हमारी तरफ से रिक्रूट किया जाएगा। अभी क्या होगा इसमें, अगर आप समझ लीजिए मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग हम करा रहे हैं, क्या करेंगे कि आपने रेस्टोरेंट शुरू कर दिया, हर महीने आपके रेस्टोरेंट में एक इवेंट होगा। ये इवेंट आपके अलग अलग एज ग्रुप के लिए परफॉर्म किया जाएगा। कभी ये इवेंट होगा आपका बच्चों के लिए, तो कभी ये आपका होगा कपल्स के लिए, कभी होगा फैमिलीज के लिए। मान के चलिए अगर इस महीने आपका इवेंट है और किसी बच्चों के लिए अगर आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम आपके एरियाज के जो डे केयर्स है, आपके जो प्री स्कूल्स है, इसमें से छोटे छोटे बच्चों को हमारे यहाँ पे एक छोटे से पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए या फिर किसी छोटे एक स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए आपके यहाँ पे इन्वाइट करेंगे। ये बच्चों को मैंडेटरी होगा कि वो उनके पेरेंट्स के साथ आए, वो उनके पेरेंट्स के साथ आएंगे आपके यहाँ पे। एक बार में ये इवेंट एक्चुअली हर महीना चलता है और दो दिन के लिए चलता है, तो एक दिन में आप लगभग 20 से 25 बच्चों का गैदरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 25 से 30 अगर बच्चे एक बार में आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको पेरेंट्स को अगर आप साथ में जोड़ दें, तो एक समय आपको लगभग 90 से 100 लोगों का गैदरिंग आपके स्टोर पे मिल रहा है एक दिन में। ये इवेंट दो दिन चलना है हर महीने, एक दिन में आपको 100 लोगों का गैदरिंग मिल रहा है एक जगह पे। 100 लोग आपके यहाँ पे हर महीना आ रहे हैं, हर रोज 100 लोग आ रहे हैं, तो यानी कि दो दिन में 200 लोग आपके यहाँ पे आ गए। 200 लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं हर महीना, आप कंसिडर कीजिए आपको लगभग 2400 लोगों को एक साल भर में आपने एक इसको इस इवेंट के तहत बुलाया हुआ है। अभी क्या करेंगे, ये जो लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं उनको हम फ्री में स्नैक्स देंगे। हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले बच्चों को जो चीजें पसंद आती है वो बच्चों को दी जाएंगी, फैमिलीज को उनकी जो चीजें पसंद आती है। हमें पता है नॉर्मली जो एपेटाइट, किस तरीके का एपेटाइट होता है, किस तरीके का हमारे लोगों का टेस्ट होता है, उस हिसाब से हम जिनको जो चीजें देनी है वो सर्व करेंगे फ्री में। यही नहीं, बच्चों को फ्री में ब्रांड के मर्चेंडाइज दिए जाएंगे आने वाले हर पार्टिसिपेंट को, जैसे कि ब्रांड के टी शर्ट्स हो गए, ब्रांड्स के कैप्स हो गए ब्रांड्स के लोगों के साथ। तो इस तरीके से हम बच्चों को फ्री में ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी इन एक या इस पूरे पार्टिसिपेंट्स जितने भी बच्चे हैं, इस बच्चे में से एक या दो बच्चे जो भी इस कॉम्पिटिशन को जीतेंगे, उनको उनके फैमिली के साथ एक नियर बाय वाटर पार्क में या फिर कहीं पे भी हम एक फ्री ट्रिप्स जो है वो स्पॉन्सर कर देंगे। यानी कि अगर आप मुंबई में या पुणे में हैं, तो एक्वाई मैजिका में या फिर एसएल वर्ल्ड में हम उनको भेजेंगे। अगर आप किसी और शहर में, बैंगलोर से है या फिर आप किसी और शहर से, दिल्ली से, तो आपके आजू बाजू में जो भी इस तरीके के एक्टिविटी सेंटर्स है, इस तरीके की चीज, वहाँ पे हम एक दिन का उनका पूरा ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर कर देंगे। अभी इस पूरे इवेंट का जो खर्चा है, ये पूरे इवेंट का खर्चा लगभग 25 से 30 हज़ार के रेंज में आता है। और जब 25 से 30 हज़ार का खर्चा इस इवेंट का आ रहा है, तो ये खर्चा पूरा फ्रेंचाइजी को नहीं करना है, ये खर्चा आधा फ्रेंचाइजर करता है और आधा आप करते हो, यानी कि आधा फ्रेंचाइजी करता है और आधा फ्रेंचाइजर करता है। तो ये हर महीना आपके लिए होना है, यानी कि एक पूरे साल भर का अगर आप हिसाब जोड़ दे, तो इस साल भर के हिसाब में आपके यहाँ पे लगभग ब्रांड 1,80,000 से 1,90,000 रुपए सिर्फ आपके लोकल मार्केटिंग पे हम खर्चा कर रहे हैं। उतना ही आप भी कर रहे हैं, उतना ही हम कर रहे हैं। अभी इस लोकल मार्केटिंग से फायदा क्या होगा, एक समय पे आपको लगभग दो दिन में लगभग 200 लोग आपको वहां पे मिल रहे हैं, पार्टिसिपेंट मिल रहे हैं, यहाँ पे 200 लोग का गैदरिंग आपके रेस्टोरेंट में हो रहा है। ये 200 लोग में से हम ज्यादा नहीं देखते, हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि अगर इस 200 लोग में से एक समझ लीजिए, अगर आपके यहाँ पे सिर्फ इस 200 में से सिर्फ 20 भी आपका, अगर 10% भी अगर आपका एक लॉयल कस्टमर में आपका अगर टर्न आउट हो जाता है, तो हर महीना 20 से 25 लोग आपका लॉयल कस्टमर में टर्न आउट हो रहे हैं। 25 लोग अगर आपका लॉयल कस्टमर हर महीने के लिए बन रहे हैं, तो आपका साल भर में लगभग 300 लॉयल कस्टमर्स आपके टर्न आउट हो रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे कि ये जो लॉयल कस्टमर्स है, ये लॉयल कस्टमर्स आपका हर दिन आना है, नहीं, हम नहीं चाहते कि ये हर दिन है। अगर ये महीने में 4 दिन भी आते हैं,
महीने में 4 बार भी अगर आपके आउटलेट पे विजिट करते हैं तो ये 300 कस्टमर्स आपको 1200 बिल देके जा रहे हैं। महीने में ये 300 कस्टमर्स आपको 1200 बिल्स आपको देके जा रहे हैं। और अगर जब आपको 1200 बिल्स मिल रहे लगभग आपका एक महीने में, तो आपका जो एक एवरेज टिकट साइज आपका बिल का अगर आप 300 से 400 रुपए भी पकड़ते हैं तो आपका बिजनेस 3 लाख के ऊपर चला गया, एक्चुअली 4 के ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप 3 लाख भी कंसिडर करते हो तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली सिर्फ आपके लॉयल कस्टमर से 3 लाख के ऊपर चला गया। और बाकी का जो आपका कस्टमर्स है वो कस्टमर्स अलग है, जो नया कस्टमर्स आना है, जो आपका रेगुलर कस्टमर्स है वो अलग है। ये लॉयल कस्टमर से आपको खाली 3 लाख रुपए का महीने का बिजनेस मिल रहा है, बराबर। तो इस तरीके से आपका ये इवेंट जो है वो आपको फायदा कराता है। और अभी ये तो हो गया आपका रेस्टोरेंट सिचुएशन में, कि रेस्टोरेंट सिचुएशन में इसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। लेकिन अगर ये सेम चीज अगर हमने क्लाउड किचन के लिए करना है, कि अगर आज तो रेस्टोरेंट है नहीं, आज तो हम क्लाउड किचन रेस्टोरेंट में ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं कि ताकि क्लाउड किचन में आपका मार्केटिंग ढंग से हो। सेंट्रलाइज मार्केटिंग तो हम कर ही रहे, डिजिटल मार्केटिंग तो हम कर ही रहे, लेकिन उसके अलावा ऐसा कौन सा चीज है जो अगर हम करते हैं तो आपको लोकल मार्केटिंग में भी हेल्प मिल सकता है। आज जब क्लाउड किचन की हम बात करते हैं, क्लाउड किचन में हमारे लिए सबसे फायदेमंद चीज कौन सी है? होम डिलीवरी। सबसे इसमें सबसे ज्यादा किसकी वजह से हमें होम डिलीवरी आ रही है? तो जोमेटो की वजह से, स्विगी की वजह से, जो ये हमारे डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी वजह से। अभी जब आप जोमेटो का ऐप ओपन करते हैं तो एक ऐप पे आपको होम पेज दिखता है, जिस होम पेज में आपके ब्रांड्स के नाम होते हैं, जो ब्रांड्स स्टॉक वहां पे रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन अगर आपको उसमें से किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक तो उस ब्रांड का नाम टाइप करना पड़ेगा या पूरा वो ऐप से स्क्रॉल करना पड़ेगा, तब जाके कहीं पे वो आपको नाम दिखेगा, फिर आपको देखा जाएगा कि आपको किस तरीके से मिल रहा है। तो ये वो ब्रांड का नाम आपका होम पेज में आने के लिए जो टाइप्स करने पड़ते हैं जोमेटो के साथ, जिस तरीके के प्रीमियम टाइप्स हमने करने होते हैं, वो सारे प्रीमियम टाइप हम जोमेटो के लिए आपके लिए हम करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग तरीके के 3-4 टाइप्स है। एक टाइप है उसमें है जो गोल्ड मेंबर के लिए होता है, जो गोल्ड मेंबर्स और गोल्ड डिलीवरी मेंबर्स के लिए होता है। ये टाइप ब्रांड की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, यानी कि जब भी आप ऐप ओपन करोगे उसमें गोल्ड मेंबर्स में जाओगे, उस गोल्ड मेंबर में जो आपका होम स्क्रीन होगा उस होम स्क्रीन में ही आपको फ्रॉस्टेड फेदर दिख जाएगा, यानी कि आपको उसको ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है, यानी कि आपके कस्टमर को कोई भी आपके रेस्टोरेंट का नाम ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको फ्रॉस्टेड फेदर सबसे पहले ही वहां पे गोल्ड मेंबर में मिल जाएगा। दूसरा है आपका दूसरा टाइप आपका जो हम आपके लिए करेंगे जोमेटो और स्विगी के साथ, तो अलग अलग नाम है अलग अलग कंपनीज के, लेकिन स्विगी इस टाइप को किसी और नाम से बुलाती है, जोमेटो किसी और नाम से बुलाता है। जैसे कि जोमेटो का एक गोल्ड मेंबर टाइप हो गया, उसी सेम तरीके से हम कॉन्टेक्टलेस डाइनिंग और कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी का टाइप कराएंगे जोमेटो के साथ आपका। ये टाइप भी ब्रांड की तरफ से आपको करके दिया जाएगा। ये टाइप जो होता है ये भी प्रीमियम टाइप होता है। अभी जो मैंने गोल्ड मेंबर का टाइप बताया उसके लिए लगभग 6 महीने का 35,000 से 40,000 रुपए, एक्चुअली इसका कॉस्ट 70,000 है, लेकिन हम सभी आउटलेट्स के लिए एक साथ टाइप करते हैं, उसकी वजह से हमें लगभग 35,000 से 40,000 में पड़ता है। तो ये 35,000 से 40,000 रुपए का जो टाइप है ये ब्रांड आपके लिए करता है हमारी तरफ से। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग का, उसका लगभग आपको 20,000 से 30,000 रुपए देना पड़ता है, तो वो भी ब्रांड आपके लिए देता है, आपको आपके जेब से देना नहीं है। तो ये भी आपको फ्री टाइप हो गया, फ्री मार्केटिंग एक्टिविटी हो गई आपके लिए, ताकि आप कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग का ऑप्शन जब भी आए, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी का ऑप्शन जब भी आए, तो आपके आउटलेट का नाम सबसे ऊपर हो, इसकी वजह से हम वो भी आपके लिए करा के देते हैं। इसके अलावा अभी दूसरी जो चीज, इसमें दूसरा जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है वो ऐसा है कि होम पेज, यानी कि आप गोल्ड मेंबर छोड़ दे, आप कॉन्टैक्टलेस छोड़ दे, कोई भी छोड़ दे, आपको नॉर्मल ऐप के होम पेज पे अगर आना है तो उसके लिए लगभग 90,000 से 80,000 रुपए का एक चार्ज होता है 6 महीने का, जो जोमेटो हमसे चार्ज करता है। और वो जो कॉस्टिंग आपका जाता है वो कॉस्टिंग को आप और हम आधा आधा शेयर करते हैं, यानी कि पहले जो दो टाइप्स है लगभग जिसके लिए 70,000 का खर्चा है वो ब्रांड ने आपके लिए कर दिया, और जो ये टाइप है जो प्रीमियम और एक प्रीमियम टाइप है जिसमें आपका होम पेज पे आना है जिसके लिए लगभग 80,000 से 90,000 रुपए का खर्चा है, वो आप और हम आधा आधा मिलके करते हैं। यानी कि इस तरीके के मार्केटिंग एक्टिविटीज आपके लिए हर वक्त परफॉर्म किए जाते हैं। आपको मार्केटिंग के आइडियाज नहीं दिए जाएंगे, आपको मार्केटिंग का हमारा एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया जाएगा, हम वहां पे आके एक्चुअली आपके लिए मार्केटिंग वहीं पे करा रहे हैं, ये मार्केटिंग का पूरा जिम्मा हम आपके लिए ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपका मार्केटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड हम आते हैं ऑपरेशन मैनुअल्स।
ऑपरेशन मैनुअल, जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेशन मैनुअल आपको हर फ्रेंचाइजी को एक पूरा ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म करना है वो पूरा समझाया जाएगा, पूरा ट्रेनिंग दिया जाएगा, और उसी के साथ में एक ऑपरेशन मैनुअल दिया जाएगा जिस मैनुअल के तहत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको, आपको हर आपके फ्रेंचाइजिंग में रहने वाले हर व्यक्ति का क्या रोल है, वो किस तरीके से आपको उनसे उनका काम निकलवाना है, ये पूरा ऑपरेशन मैनुअल्स के थ्रू आपको समझाया जाएगा। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, जो अभी अभी मैंने आपको मार्केटिंग में इसके बारे में बता दिया किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट होगा, किस तरीके से प्रमोशन किया जाएगा, वो प्रमोशन के अलावा हम रेडियो मार्केट रेडियो कमर्शियल्स भी करेंगे आपकी सिटी में, हम मार्केटिंग न्यूज़पेपर कमर्शियल्स भी करेंगे, वो हर चीज का जो मार्केटिंग है वो इस तरीके से किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स है जो अभी तक फ्रॉस्ट एंड फ्रेदर को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे मिले हुए हैं। हमारा ब्रांड एशिया पैसिफिक लेवल पे नॉमिनेट किया गया था अंडर द बेस्ट ब्रांड इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, फ्रॉस्ट एंड फ्रेदर को नॉमिनेट किया गया था। उसी के अलावा एज अ सीईओ ऑफ द ब्रांड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर इन 2016। इसके बाद भी 17 और 18 में भी हमारे ब्रांड को सेम कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। यही नहीं, फ्रैंकॉर्प जो एक यूएस जायंट है फ्रेंचाइजिंग इंडस्ट्री में, उसके एक सर्वे के अनुसार वी आर अमंग्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग 35 कंपनीज, स्टार्टअप कंपनीज इन इंडिया, जो 2017 के बाद में जितने भी कंपनी स्टार्ट हुए उसमें वी आर अमंग्स टॉप 35 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज। यही नहीं, इकोनॉमिक इंडिया के एक सर्वे के अनुसार 2025 तक फ्रॉस्ट एंड फेदर विल बिकम मोस्ट डोमिनेंट कैफे ब्रांड इन इंडिया, एक सर्वे के अनुसार बताया गया हुआ है। तो ये कुछ नॉमिनेशंस है, कुछ रिकग्निशंस है जो ब्रांड को अभी तक मिल चुकी है। इसके अलावा दिस इज द आइडियल पार्टनर प्रोफाइल, किस तरीके के फ्रेंचाइज पार्टनर हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो नॉर्मली इसमें हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिनको थोड़ा सा बिजनेस एक्यूमीन हो और जो इन्वेस्टमेंट का उनका थोड़ा सा एबिलिटीज हो। आपको इस इंडस्ट्रीज का प्रीवियस एक्सपीरियंस रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि आप रेस्टोरेंट बैकग्राउंड से हो या किसी और बैकग्राउंड से हो। आप कोई भी बैकग्राउंड में थोड़ा सा अगर आपको बिजनेस एक्यूमीन हो और आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप लायबल हो तो आप बिल्कुल इसमें आ सकते हैं। वी कैन ऑलवेज, वी आर यू नो ऑलवेज हैप्पी टू हैव ये आपका योगा। अभी इसमें और एक दूसरा एक एस्पेक्ट इम्पोर्टेंट ये है कि लॉकडाउन के पहले हमने एक ब्रांड स्टार्ट हम कर रहे थे विच वॉज गोइंग टू बी आर टी ब्रांड, जो हम चाय टपरी के नाम से इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे कि ये हमारा एक चाय का ब्रांड होगा। नॉर्मली इंडिया में होता यू है कि आप अगर लोगों को कहीं जाके अगर आप देखो तो आज कॉफी और चाय का रेशियो अगर आप कंपेयर करते हो तो जब कहीं 30 लोग चाय पीते हैं तब जाके कोई एक बंदा कॉफी पीता है, यानी कि 30:1 का आपका रेशियो है चाय और कॉफी में। और फिर भी हमने चाय को बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। हम अभी देख सकते हैं कि हर जगह पे हम कैफे खोलते जा रहे हैं, चाय के हमारे आउटलेट्स बहुत कम है, और जो आउटलेट्स हैं फुल फ्लेज आउटलेट्स हैं वहां पे 100 रुपए की चाय बिक रही है, 50 रुपए की चाय बिक रही है, जो हिंदुस्तानी लोगों को पसंद नहीं है। अगर आप किसी इंडियन को बोलोगे कि भाई 100 रुपए की चाय अंदर आके बैठ और 100 रुपए की चाय पी तो कोई नहीं आना, किसी ने नहीं आना आपके यहाँ पे। बहुत ही 1% आपका प्रीमियम कस्टमर्स होगा जो 100 रुपए की चाय शायद अफोर्ड कर पाए। हमारे लोगों को वही चाय चाहिए जो बाहर उनको टपरी में 10 रुपए में मिलती है, और 10 रुपए की वही चाय आपके लोगों को अच्छी लगती है, और वही अपने लोगों में, वो भी अंदर जाके किसी को नहीं पीना, वो भी बाहर होनी चाहिए। आपका एक बाहर बाकायदा आपका एक टपरी होना चाहिए, बाहर कियोस्क होना चाहिए जहाँ वो खड़े खड़े पी सके और 2 मिनट में वही के वही से निकल सके। ये चाय का मॉडल इंडिया में सक्सेसफुल है और आने वाले कुछ सालों तक तो एटलीस्ट यही मॉडल चलना है। आप अगर चाय का रेस्टोरेंट खोलने जाओगे, एक कैफे चाय जैसा खोलने जाओगे, तो वो वहां पे आप 100 रुपए की चाय बेचोगे तो वो कोई नहीं, किसी ने नहीं खरीदना है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक कियोस्क, टी कियोस्क हमने बनाए हुए हैं, जिसको हम ब्रांड को नाम दे रहे थे चाय टपरी। और अभी हम ये कर रहे हैं कि जो कोविड सिचुएशन में हमारे फ्रॉस्ट एंड फेदर का फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उन लोगों को हम हमारे टी कियोस्क टी ब्रांड का फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यानी कि जब भी आप आपके इस फुल फ्लेज रेस्टोरेंट को कन्वर्ट करने जाएंगे, इस आपके क्लाउड किचन को फुल फ्लेज रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करने जाएंगे, उस समय अगर आपके आउटलेट के सामने एक 5 से 10 फुट का अगर जगह है, उस जगह में हम एक टी कियोस्क डालेंगे जहां से आपका आने वाले आपके जो बंदे हैं वहां से ही बाहर से बाहर आपकी चाय पियेंगे और बाहर से बाहर निकलेंगे। यानी कि आपका जो अंदर बिजनेस होना है वो अलग होगा आपका फ्रॉस्ट एंड फेदर का,
और बाहर आप जो टी कियोस्क से बिजनेस जनरेट कर रहे हैं वो आपका अलग होगा। आज अगर आप देखते हैं तो एक चाय वाला आज आराम से एक चाय की टपरी में 1,000 कप बहुत इजीली चाय बेच देता है। हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि हमको 1,000 कप मिल रहा है, लेकिन अगर आपको सिर्फ 500 कप भी उसमें से आपका शेयर मिल जाता है तो वो 500 कप चाय आपको 5,000 रुपए का रेवेन्यू एक दिन में दे रही है, क्योंकि हम भी चाय सिर्फ 10 रुपए में ही सर्व करने वाले हैं। हम उसी रेट में चाय सर्व करेंगे जिस रेट में आपका बाजू का टपरी वाला करता है, हम उसी रेट में चाय देने वाले हैं, लेकिन हमारे टपरी की क्वालिटी ये बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगी। हमारा जो ये टपरी होगा ये 1 5-star टपरी होगा, ये 1 5-star कियोस्क होगा, और ये 5-star कियोस्क होगा वहां पे आने वाला या वहां पे जो काम करने वाला लड़का होगा प्रॉपर यूनिफॉर्म में होगा, कैप पहन के होगा, ग्लव्स पहन के होगा, जिस बर्तन में चाय बनाएगा वो बर्तन कांच का होगा। तो इन शॉर्ट सब बहुत ट्रांसपेरेंट और हाइजीन का लेवल एकदम 5-star होगा उसकी, और रेट उसके बावजूद भी जो रेट दे रहे हैं वो रेट बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। सिर्फ 5-10 रुपए में हम चाय दे रहे हैं उसी रेट में जिस रेट में आपका बाजू का टपरी वाला दे रहा है। तो आपको बेटर क्वालिटी मिल रही है, बेटर चाय मिल रही है, बेटर हाइजीन मिल रहा है उसी प्राइस में। तो उसी की वजह से जो इस चाय का मॉडल का जो सक्सेस रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो उसकी वजह से अगर आप 500 भी कप चाय बेचते हो तो 5,000 रुपए का रेवेन्यू आपको दिन भर में आ रहा है, यानी कि महीने में आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो और आपको एक्सपेंसेस इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेंट तो आपको देना नहीं है। रेंट तो आपका फ्रॉस्ट एंड फेदर के लिए जो आपने प्रॉपर्टी लिया है उसी प्रॉपर्टी में बाहर आप ये चाय का कर रहे हो, तो आपको उसमें रेंट का तो खर्चा है नहीं। आपका दूसरा खाली एक बंदा आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना है और आपका फूड कॉस्ट इसमें भी लगभग 25-30% का है, यानी कि सब खर्चा जाने के बाद आप यहाँ से 1.5 लाख रुपए में से आप 1 लाख रुपए आप आपका नेट प्रॉफिट में कमा रहे हो। 1 लाख रुपए आपका ये नेट प्रॉफिट होगा और 1.5 लाख रुपए के बिजनेस से, यानी कि 1 लाख रुपए आपको टी कियोस्क से आ रहे हैं और फ्रॉस्ट एंड फेदर में से बिजनेस ये पूरा अलग है। इसमें से आपको जो 1.5 लाख रुपए आ रहा है कंप्लीटली अलग है। तो इस तरीके से आपका ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको होगा अगर आप कोविड सिचुएशन में स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए अगर आप इसमें स्टार्ट कर दें, आज अगर आप ये फ्रेंचाइजी लेते हैं क्लाउड किचन की, तो ये आपको टी कियोस्क का बेनिफिट कोविड सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाएगा। नॉर्मली इसका फ्रेंचाइजी फी 4 लाख रुपए है जो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये टी कियोस्क का फ्रेंचाइजी दिया जाएगा। तो ये एक और चीज हो गई। इसके बाद नाउ बहुत से लोग हैं बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन फंड्स नहीं है या फिर फंड्स जुड़ाने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसे भी जो लोग हैं उन्हें हम MSME महाराष्ट्र गवर्नमेंट सॉरी यूनियन मिनिस्ट्री का जो अभी पैकेज यूनियन मिनिस्ट्री जो डिक्लेयर किया है इसमें 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अभी कोविड राहत में डिक्लेयर किया उसमें से 2 लाख करोड़ MSME को दिए गए हैं और इस 2 लाख करोड़ में से 20,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट ऑलरेडी हो चुका है। और इस MSME के तहत हम आपका यूनियन मिनिस्ट्री से आपके ये पूरा जो लोन है वो सैंक्शन करा के लाएंगे और ये पूरे लोन के लिए आपको खाली डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं वो हमें पहुंचाने हैं। अगर आपको लोन चाहिए तो वो लोन भी पूरी तरीके से हमारे कंसल्टेंट के थ्रू हम आपको ये पूरा लोन जो है वो अवेलेबल करा के देंगे। तो आपको लोन भी इसमें मिल जाएगा, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आप खाली अप्लाई कीजिए, लोन आपको पूरी तरीके से मिल जाएगा। आपको जो बिजनेस इस बिजनेस के लिए जितना लोन चाहिए ऑलमोस्ट 100% लोन हम आपका करा के देंगे। तो इस हिसाब से आपको फंड्स का भी इसमें इश्यू नहीं आएगा। ये कुछ फोटोज है जो आप देख पा रहे हैं ब्रांड्स के, कुछ अलग अलग जगह के कुछ आउटलेट्स के फोटोज है। आप जो भी लोग मेरे साथ इसमें नंबर शेयर करने वाले हैं आपको प्रपोजल भेजने के लिए, उसमें हम आपको ये प्रपोजल भी भेजेंगे और हमारे कुछ एग्जिस्टिंग आउटलेट्स के फोटोज भी आपको जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो ये कुछ फोटोज हमने आपको लिए दिखाए। नाउ जैसे अभी तक जो मैंने समझाया उसका एक छोटा सा अगर ये निकाला जाए तो किस तरीके क्यों फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ आप जुड़ना चाहें, तो एक बहुत ही अच्छा आरओआई है और बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव पे बैक पीरियड है, बहुत हाई मार्जिन है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको कम से कम दाम में देने का सर्व करने का मौका मिल रहा है। कुछ प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नाउ हम पिज्जा का अगर यहाँ पे फोटो दिखा तो एक छोटी सी चीज मुझे याद आ गई जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पिज्जा तो हर जगह पे मिलता है। आपको प्रोडक्ट्स के यूनिकनेस के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि हमारे प्रोडक्ट्स बाकी ब्रांड से कैसे अलग है या फिर बाकी रेगुलर कैफे में मिलने वाले या रेगुलर रेस्टोरेंट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स से किस तरीके से अलग है ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। तो पिज्जा तो हर जगह पे मिलता है, सैंडविच हर जगह पे मिलता है, बर्गर बहुत लोग बेचते हैं, तो हमारे पिज्जा में और उनके पिज्जा में क्या फर्क है? नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं ये प्रेजेंटेशन के दरमियान बताना भूल गया
वी हैव डन अ टाई अप विद संजीव कपूर खजाना, यानी कि जो हमारे एक सेलिब्रिटी शेफ है मिस्टर संजीव कपूर, उनके साथ हमने एक टाई अप किया है फ्रॉस्ट एंड फेदर के लिए, जिसकी वजह से नाउ ही इज ऑन बोर्ड विद फ्रॉस्ट एंड फेदर। एंड हमारे जो भी फास्ट फूड के रेसिपीज है, वो फास्ट फूड के रेसिपीज मिस्टर संजीव कपूर अभी डिजाइन कर रहे हैं, और वो डिजाइन भी कर रहे हैं तो ये कम्प्लीटली इन अ डिफरेंट मैनर। आज जो पिज्जा आपको मार्केट में मिलता है, दिस इज बेसिकली हैड नॉट यू नो दे हैव नॉट मैनेज्ड दिस पिज्जा अकॉर्डिंग टू द इंडियन एपेटाइट। ये भारतीय लोगों के टेस्ट के अनुसार इस पिज्जा को नहीं बनाया हुआ है। आज पिज्जा आप क्या देखते हैं, आज डोमिनोज में जाते हैं, आपका पिज्जा होता है, उस पिज्जा के ऊपर आप क्या होता है, आप एक टमाटो का सॉस डाला हुआ रहता है, प्यूरी डाली हुई रहती है, कुछ टॉपिंग्स उस पे डाले हुए थे, पनीर चाहिए तो पनीर, मशरूम चाहिए तो मशरूम, चिकन चाहिए तो चिकन, इस तरीके का आपका टॉपिंग डाला हुआ होता है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स टॉपिंग डाला हुआ, उसको बेक करके आपको दिया जाता है चीज डाल के। सो ये आपका सिंपल प्रोसेस है। अगर आप चाहे कि अगर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को थोड़ा सा स्पाइसी पिज्जा बना के दो, तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पाइसी में क्या होगा, आपको चिली फ्लेक्स देगा, आपको ऊपर से चिली फ्लेक्स डालना है, और हो गया आपका स्पाइसी पिज्जा। तो ये चीज हमारी तरफ से नहीं हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, संजीव कपूर को बोर्ड पे लेने का यही ये था कि हम इंडियन स्टाइल में इस चीजों को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ होगा यू कि पिज्जा आप जो हमारे यहाँ पे अभी आपको जो पिज्जाज मिलना है, जो ये चीजें मिलनी है, बाकी भी सैंडविचेस भी, बर्गर भी, उस पर ऊपर भी आऊंगा, वो चीजें इंडियन स्टाइल के हिसाब से बनाई होगी। जैसे कि अगर आपको पनीर मखनी पिज्जा खाना है, तो एक्चुअली पनीर मखनी का सॉस बनाया जाएगा, पनीर मखनी की एक ग्रेवी बनाई जाएगी, और उसका टॉपिंग ही आपके पिज्जे के ऊपर होगा। ये पूरी तरीके से नई रेसिपीज होगी। आपने कभी ऐसे पिज्जा जो इंडियन एपेटाइट के लिए हो, इंडियन स्टाइल के लिए हो, इस तरीके के पिज्जा नहीं, चाहे फिर कोई भी पिज्जा हो, आपका कढ़ाई पनीर हो, या आपका पनीर मखनी हो, मशरूम का कोई वेरायटी हो, या फिर और किसी टाइप का वेरायटी हो, या आपको इंडियन स्टाइल में मिक्स करके आपको सर्व किए जाएंगे रेगुलर पिज्जा के साथ साथ, ये भी आपको सर्व किए जाएंगे, जिससे ये होगा कि हिंदुस्तानी लोगों को जिस तरीके का खाना पसंद है, उस तरीके के खाने में हम पिज्जा को ट्विस्ट कर रहे हैं, और वो पिज्जा आपको वैसे सर्व किया जा रहा है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है कि हमारे जो पिज्जा हैं वो रेगुलर अवन में नहीं बनते, हम हमारे यहाँ पे अभी वुड फायर्ड अवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ ये जो आप छोटा सा पिक्चर यहाँ पे देख पा रहे, जो नीचे अंदर आग लगी है, ये हमारा एक्चुअल पिक्चर है, ये इंटरनेट से उठाई हुई इमेज नहीं है, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर। अभी ये आप जो देख पा रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली वुड फायर्ड अवन, मैं आगे आपको स्लाइड में वुड फायर्ड अवन क्या होता है वो भी दिखाऊंगा। ये आपका वुड फायर्ड अवन के अंदर बेक हुआ पिज्जा है, यानी कि आप जिस भी आदमी ने चूल्हे पे बना हुआ खाना खाया है, वो बिल्कुल बता सकता है कि चूल्हे पे बनी हुई चीज और गैस पे बनी हुई चीज इसमें क्या अंतर है। सेम ऑथेंटिसिटी हम यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। इटली में सबसे पहली बार जब पिज्जा बेक हुआ होगा, तो उस समय तो आपके यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक अवन थी नहीं, आज जो हमारे पास फैसिलिटीज है वो तो थी नहीं, 16वीं 17वीं सदी में जब पिज्जा पहली बार बेक हुआ, तो उस वक्त था क्या, उस वक्त यही सब चीजें थी, आपके घर में एक छोटी सी भट्टी रहती थी, आपके घर में एक छोटा सा ईंट का अवन बना रहता था, और उसी फायर ब्रिक से ये अवन बनता था, उसी को हम वुड फायर अवन कहते हैं। ये हर घर में रहता था, और उसी घर में ये पिज्जा इसी प्रकार के अवन में बेक किया गया। दिस इज द ऑथेंटिक वे ऑफ बेकिंग अ पिज्जा, या फिर बेकिंग करने का ये ऑथेंटिक, सबसे ऑथेंटिक वे है। और यही नहीं, ये ऑथेंटिक वे तो है, इससे तो टेस्ट तो बहुत अलग आता है, आपका पिज्जा बहुत ज्यादा स्मोकी होता है, पिज्जा को बहुत ज्यादा रस्टिक फ्लेवर होता है, आपके रेगुलर पिज्जा से ये बहुत ही डिफरेंट होता है, लेकिन उसी के साथ साथ ये आपको एक इस तरीके का फ्लेवर देता है जो फ्लेवर आपको अवन में, रेगुलर अवन में आपको नहीं मिल पाता। और ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक भी है, इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आपका बहुत बचता है, और जिस इसके लिए आपको जो ईंधन चाहिए होता है उसका उतना उसका कॉस्ट नहीं होता। इसके अलावा इस अवन में बहुत सी ऐसी चीजें बेक होती है जो आपकी रेगुलर अवन में बेक आप नहीं कर सकते, यानी कि आप ये इसलिए क्योंकि इस अवन का टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट मोर देन 1200 to 1300 degrees Celsius। ये इसका टेम्परेचर इस हद तक जाता है, और आपका नॉर्मल अवन जो होता है उसका टेम्परेचर 400 से 500 degrees Celsius जाता है, ज्यादा से ज्यादा अगर आप बहुत ज्यादा इसका खरीदो तो 600 डिग्री सेल्सियस, दुगना फर्क है टेम्परेचर में। उसी की वजह से आप यहाँ पे हर चीज बेक कर पाते हो जो चीज आप रेगुलर अवन में नहीं कर पाते। हम इस पिज्जास के अलावा कुछ इटालियन सैंडविचेस भी सर्व करते हैं, जो सैंडविचेस आपको पूरी तरीके से यहीं पे बेक किए जाते हैं। नॉर्मल सैंडविचेस जो आपके रेगुलर सैंडविचेस होते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो आप सैंडविचेस देखते हैं ये तो आपको हर जगह मिलेंगे, हम भी सर्व करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको
कुछ ऐसे इटालियन सैंडविचेस हम बेक करेंगे जो सैंडविचेस आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलने हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा सैंडविच हमने खुद में बेक करवाया है। आपको बाहर से इसके लिए ब्रेड नहीं लानी है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ये पूरा का पूरा सैंडविच बेक ही हमारे यहाँ पे होगा। बहुत से सैंडविच की रेसिपीज तो ऐसा है कि पहले रॉ ही स्टफ किए जाते हैं और रॉ का रॉ पूरा बेक किया जाता है। तो ये अलग अलग रेसिपीज है जो बहुत ही यूनिक है, आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से कुछ बर्गर की ऐसी रेसिपीज है जो आपको एक रस्टिक फ्लेवर में दी जाती है जो बाहर आपको नहीं मिलती। तो इस तरीके से आपको ये चीजें वुड फायर्ड ओवन में कैसे बनती है, जो किस आपने बाहर इसके पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये हमने फ्रॉस्टेड फेदर में सर्व करनी है। और इस चीज को हम बाकायदा मार्केट करेंगे आपके एरिया में, वुड फायर्ड ओवन के थ्रू हम चीजें जो दे रहे हैं उसको हम मार्केट करेंगे। तो ये एक मार्केटिंग का एक मुद्दा हो जाएगा, लोगों को आने के लिए एक अट्रैक्शन का मुद्दा हो जाएगा सर्व करने के। इस तरीके से हम इस तरीके से आपके ये जो है वो प्रोडक्ट्स रेगुलर रेस्टोरेंट से, रेगुलर कैफे से बहुत हद तक डिफरेंट रहेंगे। ये बाकी भी कुछ प्रोडक्ट्स के हमारे फोटोज हैं, ये कुछ हमारे डेजर्ट्स आइटम्स के फोटोज हैं, चॉकलेट ड्रिंक्स जो हम सर्व करते हैं ये भी आप इस फोटोज में देख पा रहे हैं। आप जब मुझे नंबर देंगे तो मैं आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन जो है वो पूरी तरीके से मेल करूंगा। कुछ हमारे हॉट कॉफीज के रेंजेस है, ये हॉट शॉट्स, चॉकलेट शॉट्स और आइसक्रीम्स भी। तो आइसक्रीम्स में फिलहाल तो हम हमारा रेगुलर आइसक्रीम सर्व करते हैं जो नेचुरल है, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स है। इसके अलावा हमने एक अमेरिकन कंपनी के साथ रिसेंट टाइप किया है लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये इसको हम आगे लेके नहीं जा पाए। जैसा ही थोड़ा सा कोविड सिचुएशन नॉर्मल होता है तो हम वो टाइप भी हमारा जो है वो एक्टिव करेंगे, जिसमें एक बहुत ही यूनिक टाइप का आइसक्रीम हम इंडिया में लाने जा रहे हैं। जो आइसक्रीम आपको आज से पहले हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं मिला, दिखने में भी बहुत अलग तरीके के से है और टेस्ट भी इज वेरी यूनिक। तो वो आइसक्रीम हम दरअसल इंडिया में लाने जा रहे हैं और वो आइसक्रीम सिर्फ हमारे फ्रॉस्ट एंड फेदर के थ्रू इंडिया में बिकेगा। तो आपको वो भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इट इज लाइक अ एक्स्ट्रा फ्रेंचाइजी ऑफ एनी काइंड ऑफ ब्रांड। तो वो भी आपको आइसक्रीम में भी उसका भी आपको फ्रॉस्ट एंड फेदर के साथ ही आपको मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर बिजनेस प्रपोजल, मैंने लगभग सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो नाउ फ्रॉम नाउ वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। अशोक जी, वी कैन टेक द क्वेश्चंस नाउ। Thanks, Akshay ji, for this wonderful business opportunity. Mr. Vinay. Vinay ji, apni taraf se unmute kariye, please. Vinay ji, agar aapko meri awaaz aa rahi hai, please apni taraf se unmute kariye. सर, मिस्टर योगेश कुमार जी का क्वेश्चन है, ही वांट्स टू ब्रेक अप ऑफ कॉस्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा फर्स्ट एंड फीडर की फ्रेंचाइज के लिए। सबसे पहले तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि कॉस्ट का ब्रेकअप क्या है। जी सर, ब्रेकअप में आपको एक बिजनेस प्रपोजल पूरी तरीके से भेजूंगा, आप खाली आपका एक नंबर जो है वो व्हाट्सएप नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको इस पूरा बिजनेस प्रपोजल जो है वो आपको भेज दिया जाएगा, जिसमें आपको डिटेल इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप, डिटेल सब तरीके से डॉक्यूमेंट्स का लगना है क्या क्या है, वो सब चीजें जो है आपको उसमें मिल जाएगा। सर योगेश जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए। आफ्टर दिस वेबिनार प्रेजेंटेशन हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन एंड लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर लोन प्रोसेसिंग वो भी आपको हम लोग, बिल्कुल लोन पर्पस के लिए आपको जो भी चाहिए होगा वो हम आपको सीधा पूरा लिस्ट ही मैं आपको भेज दूंगा और आपका लोन एमएसएमई के थ्रू हो जाएगा, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी आपको गवर्नमेंट का सब्सिडीज जो है वो आया हुआ है। जी यस, मिस्टर महर्षि सोनी, मिस्टर सोनी अपनी तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज आप। हेलो जी सोनी जी, बोलिए। जी सर, हाँ, तो ये क्या मेल पे आएगा कैसे, जो आप ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग, जो लोन की प्रोसीडिंग है? हाँ जी, हाँ हाँ, लोन प्रोसीडिंग जो है,
वो क्या हमने करनी होगी या आप करवा के देंगे कैसे क्या? नहीं देखिए सर, आप मुझे डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगा डॉक्यूमेंट्स का, वो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए होंगे इस लोन के लिए, वो आप डॉक्यूमेंट्स मुझे देंगे, वो डॉक्यूमेंट्स मैं आगे मेरे कंसल्टेंट के पास भेजूंगा, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ जोड़ के हम आपको एक ये देंगे, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम आपके लिए बनाएंगे, और हमारा और आपके बीच का जो एग्रीमेंट बनेगा वो एग्रीमेंट मैं आपको दूंगा। तो आपको ये करना है सिर्फ कि आप आपके यहाँ पे जाओगे, आपका जो डीसीई ऑफिस आपके एरिया में जो है, यानी कि आपका आपका ये डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्रियल ये होता है, सेंटर होता है, तो वहां पे आप जाओगे, ये डीसीई ऑफिस में खाली ये फाइल सबमिट करोगे और उस फाइल का नंबर आप मुझे खाली बताओगे, ठीक है? तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो क्या जो प्रोसेस होगा वो पूरा मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको सब भेज दूंगा। अच्छा, एक्चुअली हमारे पास में लैंड है एक अच्छी जगह पे ही है, तो उसमें 10x10 का एरिया है, प्लस पीछे 10 फुट की जगह है, आगे 30 फुट की जगह है। तो जो आप कियोस्क वगैरह है और जो क्लाउड किचन है वहाँ प्लान कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। ये आप कौन से शहर से बोल रहे हैं सर? जयपुर। जयपुर से बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल हो सकता है। जयपुर से श्यामनगर श्यामनगर से बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है सर। हम आप मतलब यही नहीं, पिछले एक महीने से जब हम सब क्लाउड किचन पे जो वर्क कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जो है खुद के घर से, घर के बैकयार्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका तो फिर लैंड है वहाँ पे, आपका खाली प्रॉपर्टी है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत से लोगों ने तो टेरेस पे भी ये जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक बंदा जो है मेरा बिलगम का, वो तो टेरेस से शुरुआत कर रहा है इस चीज की। तो एक 10x10 का भी इनफ स्पेस हो जाएगा, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। वो टी वाला जो कॉन्सेप्ट है तो वो तो वहीं पे फ्रूटफुल होगा ना एक्चुअली, क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो, हाँ वो आप अच्छा उसकी उस समय की अगर आप बात कर रहे हैं कि आप जब कोविड सिचुएशन से बाहर आ जाए, जब लोग बाहर निकले खाने पीने के लिए, तो आपको ये फ्री में मिल जाएगा और आप टी बिल्कुल उसके बाहर डाल सकते हैं। आपके रेस्टोरेंट के बाहर एक अगर 5-10 फीट का भी जगह है, तो आप वहाँ पे एक छोटा सा टिक्की हम जरूर डाल सकते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होगा और बहुत बड़ा भी नहीं होगा, इस साइज का होगा जो सफिशिएंट है आपको सर्व करने के लिए, वहाँ पे हम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। जो क्लाउड किचन है उसके उस जो कियोस्क आप जो बना रहे हैं टी वाला, तो क्लाउड किचन का भी कियोस्क बन सकता है या उसके लिए फिर स्टोन या ये सैंड से बना हुआ चाहिए अपने को? नहीं एक्चुअली कैसा है कि आप क्लाउड किचन अगर आप कियोस्क भी नहीं, अगर आपका ऊपर से टिन वगैरह डाला हुआ अभी अगर प्रॉपर्टी है ना, अच्छा आपका एक छोटा सा 10x15 का एक एरिया है जो कवर्ड है ऊपर से और साइड से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्लाउड किचन ऐसा है वहां पे कस्टमर ने नहीं आना है, हमने होम डिलीवरी करानी है, तो उसकी वजह से आप बेसिक जगह से भी शुरू कर सकते हैं। उस चीज को हम थोड़ा हमारे हिसाब से रेनोवेट करेंगे, थोड़ा उसको साफ सुथरा जिस तरीके से करना है वो करेंगे, और वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर। क्लाउड किचन की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्लाउड किचन हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं सर। जी चलिए ठीक है, तो फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। आप नंबर छोड़ दीजिए सर, मैं आपको पूरा प्रपोजल और बैंक के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब भेज दूंगा सर। जी सर, या थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर महर्षि, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दीजिए, एंड आफ्टर दिस वेबिनार फ्रॉस्ट एंड फीदर टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी सर। थैंक्स अ लॉट। इट्स गैलेक्सी सर, अपने तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर आपको आवाज आ रही है? हेलो
हेलो जी, अभी अनम्यूट हो गया, बोलिए सर। हाँ सर, मैंने नंबर डाल दिया है, मैं बिजनेस प्रपोजल आपका देख लूंगा, आप व्हाट्सएप कर देना। ओके, उसके बाद कॉल करूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर, आप पूरा बिजनेस प्रपोजल और जो भी रिक्वायर्ड थिंग्स है वो हम आपको डाल देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ मैंने नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है अभी। ठीक है नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू सर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन बाय मिस्टर विनय पाल। उनके तीन क्वेश्चन है सर। पहला क्वेश्चन है कि हाउ विल यू मैनेज ट्रेनिंग एंड सेटअप ड्यूरिंग कोविड। ओके हाँ ओके, और चलो वन बाय वन जाते हैं, ठीक है। हाँ तो सर, वी हैव आवर इन हाउस टीम ट्रेनिंग का और सब इसका। तो आज आप जो पूछ रहे हैं कि भाई स्टाफ किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, तो ये बहुत सही बात है कि स्टाफ आज कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन हमारा इनहाउस स्टाफ है जो यहाँ पे पुणे में बैठा हुआ है और वो हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाके काम देखने के लिए सक्षम है। हिंदुस्तान में कहीं पे भी वो ट्रैवल कर सकता है। दीज आर ट्रेन स्टाफ, ये पूरा जो स्टाफ हमारे यहाँ पे पुणे में है, हमारा खुद का स्टाफ जो ट्रेन स्टाफ है, वो हम ट्रेन स्टाफ ही सीधा आपके यहाँ पे भेजेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका जो उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ट्रेन ही स्टाफ आपके यहाँ पे आएगा। जो आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए मेरा एक मैनेजमेंट टीम से एक बंदा आपके यहाँ पे आएगा। नॉर्मल केस में तीन लोग आते हैं, लेकिन आज कोविड सिचुएशन की वजह से सिर्फ एक बंदा आपके यहाँ पे आएगा, जिसका एक आने का जाने का जो परमिशन है वो निकाल के हम वहाँ पे आके आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो है वो करवाएंगे। कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी हमने डिजाइन किए हैं कोविड सिचुएशन में, तो वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी आपको दिए जाएंगे सर, ये पूरा सिचुएशन मैनेज करने के लिए। अगर इसके रिलेटेड और कुछ है तो आप मुझे पूछिए, नहीं तो वी कैन मूव ऑन टू योर आपके ही दूसरे क्वेश्चन पे हम जा सकते हैं। अशोक जी, थैंक यू सर। सर मिस्टर आशीष मकवाना का क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में निकलेगा, ही वांट्स टू नो अबाउट आरओआई। जी आशीष जी, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि ये टेबल हमने एक्सप्लेन किया था जो आप आपके स्क्रीन पे शायद अभी देख पा रहे हैं। ये टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि इस तरीके का अगर आपका कैसा कैसा बिजनेस है तो कैसा कैसा प्रॉफिट मार्जिन आपको आएगा, और साथ में ही दूसरे ब्रांड के साथ आप अगर कंपेयर करते हैं तो ये कैसा होगा। तो ये आप प्रोसेस फिगर को देख पा रहे हैं जहाँ पे आप 75% का आपको मार्जिन मिल रहा है। अगर आप 200,000 रुपए का भी बिजनेस कर रहे हैं आशीष जी, तो भी आप लगभग 1,20,000 रुपए कमा रहे हैं सब खर्चा जाने के बाद, जो आप दूसरे ब्रांड में लगभग कुछ भी नहीं कमा रहे, 20 से 25 कमा रहे हैं। और फ्रॉस्ट एंड फेदर में अगर आपका बिजनेस 2 से 1.5 भी हो जाता है कभी, तो फिर भी यू आर अर्निंग अराउंड 82,000 रुपीज अ मंथ, बराबर। नाउ 82,000 रुपीज अ मंथ ये कब कमा रहे हैं आप, जब आपका टोटल बिजनेस सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है। नाउ मैं ये कहूंगा आशीष जी कि आप मिनिमम बिजनेस करें। जब आज के सिचुएशन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो एक महीने पहले जब हमने अनलॉक शुरू हुआ था, अनलॉकिंग शुरू होने के बाद जब हमने होम डिलीवरी स्टार्ट की, तो दिन का 1 या 2 ऑर्डर्स हमें आ रहे थे। उसके बाद 10-15 दिन में सिचुएशन चेंज हुआ, हमें रोज 8 से 10 ऑर्डर्स आने लग गए। आज एक महीने के बाद जब अनलॉकिंग को अभी 1.5 महीना लगभग हो चुका है, तो इस 1.5 महीने में हम अभी इस रेट पे पहुंचे हैं कि हमें रोज का 20 से 25 ऑर्डर्स हर आउटलेट पे, जितने भी आउटलेट जो भी जगह पे परमिशन है खोलने की जहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिए हैं, वहां पे लगभग अभी 1.5 महीना हो गया, और 1.5 महीने में हम लगभग 20 से 25 कभी कभी 30 ऑर्डर्स तक जा रहे हैं। जब आप सर 25 ऑर्डर एक दिन में करते हैं, तो आपका बिजनेस 7,500 से 8,000 रुपए जाता है एक दिन का, यानी कि आपका एक महीने का बिजनेस 2.5 लाख पे चला जा रहा है। मैं ये बोलूंगा सर आपको, आप 2.5 लाख कंसिडर मत कीजिए, आप 2 लाख भी कंसिडर मत कीजिए, आप एक कंसिडर कीजिए 1.5 लाख। अगर आप 1.5 लाख भी कंसिडर कर रहे हैं आपका बिजनेस, शुद्ध की 1.5 लाख रुपए के बिजनेस के लिए आपको सिर्फ 5,000 रुपए का रोज का बिजनेस चाहिए। अभी 5,000 रुपए आप रोज बिजनेस कर रहे हैं, तो यानी कि आपको 5,000 रुपए के बिजनेस के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको एक 15 ऑर्डर्स की जरूरत है दिन भर में, बराबर है। आप 1.5 लाख का बिजनेस करते हैं तो आपको लगभग 80,000 के ऊपर आप नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो आपका रेवेन्यू खाली इस 9 महीने के अंदर अंदर वापस आ रहा है। फिर भी लेट्स कंसिडर कि आप एक साल फिर भी आप पकड़ लो कि एक साल के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वापस आ रहा है, व्हेन यू आर कंसिडरिंग आपका मिनिमम बिजनेस हो रहा है। चलो आप छोड़ो कि 1.5 लाख भी मत पकड़ो, आप अगर चाहो तो पकड़ो कि भाई पहले 6 महीने मेरा सिर्फ 1 लाख का ही बिजनेस होना है, दिन एक महीने में 1 ही लाख का मैं बिजनेस करूंगा। तो 1 लाख का भी अगर आप बिजनेस करते हो, तो भी आप लगभग 50,000 रुपीज नेट प्रॉफिट बचा लेते हो आपका सब खर्चा जाने के बाद भी।
और 50,000 रुपये अगर आप मिनिमम से कम बिजनेस पे, अगर आप 50,000 रुपये सिर्फ 1,00,000 के बिजनेस पे भी अगर आप 50,000 रुपये नेट कमा रहे हो तो भी आपका एक एक पकड़िए कि 14 से 15 महीने में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो रहा है, बराबर है। लेकिन 1,00,000 का बिजनेस ये बहुत कम है, नॉर्मली 1.5-2 लाख के नीचे बिजनेस नहीं आना है। इवन आज भी 1.5 महीने में ही हम ऐसे सिचुएशन में आ गए कि अभी हम एक 25 से 30 ऑर्डर्स जो है रोज का डिलीवरी कर रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अगर आप 1.5 लाख भी कंसिडर करोगे तो 9 से 10 महीने में आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अगर आप 1,00,000 का भी टोटल रेवेन्यू कंसिडर करते हो तो भी आपका लगभग 12 से 14 महीने में आपका पूरा खर्चा जो है वो निकल रहा है। तो इस हिसाब से आपका ROI वर्कआउट होगा। ये ROI और भी डिटेल में हमने कुछ वर्कआउट किया हुआ है, आप खाली आपका व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, मैं आपको एक बिजनेस प्रपोजल भेजूंगा। इस प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ बिजनेस प्रपोजल्स जो हमने डिजाइन किया हुआ है वो पूरा बिजनेस प्रपोजल मैं आपको भेजूंगा, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से आपका बिजनेस होना है और कितना बिजनेस होने के बाद आपको कितना प्रॉफिट आना है। अशोक जी, इट्स अ गैलेक्सी सर, प्लीज अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। यस सर, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन नाउ। सर मैंने तो कर लिया अभी, उनका हो गया था अशोक जी, वो हैंड रेज्ड ही है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं सर। हाँ नो प्रॉब्लम सर। डियर पार्टिसिपेंट्स, वी हैव ओनली 5 मिनट लेफ्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज रेज हैंड इन चैट बॉक्स एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली क्वेश्चन टू मिस्टर अक्षय। डियर पार्टिसिपेंट, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम, अपना कॉन्टेक्ट नंबर और अपनी मेल आईडी जरूर ड्रॉप करें। फ्रॉस्ट एंड फीदर टीम एंड फ्रेंच अप्लाई टीम आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगी आफ्टर दिस वेबिनार। सर वी हैव लास्ट क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। मिस्टर राजीव झा है, जानना चाह रहे हैं क्लाउड किचन इन्वेस्टमेंट, कोई फोको मॉडल अवेलेबल है सर क्लाउड किचन में? देखिए सर, नॉर्मली फोको मॉडल और फोफो मॉडल यानी कि फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटिंग मॉडल में होता यू है कि फ्रेंचाइज ओन फ्रेंचाइज ऑपरेटिंग मॉडल जब होता है एक रेगुलर ब्रांड का, हर ब्रांड का, तो ऐसा होता है कि आपको पूरा फ्रेंचाइजी मैनेज करना पड़ता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको चीजें कहाँ से लानी है, वो आपको लानी है, फ्रेंचाइजर नहीं दे रहा है, आपको जाके लानी है। दूसरा आपको देखना है कि स्टाफ खुद का, आपको खुद को देखना है, आपको आपके लिए स्टाफ फ्रेंचाइजर नहीं कर रहा है। तीसरा चीज होता है कि आपको मार्केटिंग आपको आपकी खुद करनी है, कोई भी फ्रेंचाइजर आपका मार्केटिंग नहीं करने वाला, खाली आपको बताएगा कि भाई ये कर लो। तो ये होता है फोफो मॉडल। फोको मॉडल होता है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और फ्रेंचाइजर पूरी तरीके से वो ऑपरेट करता है, यानी कि स्टाफ फ्रेंचाइजर देखता है, रेगुलर आउटलेट्स फ्रेंचाइजर चलाता है, मार्केटिंग फ्रेंचाइजर कराता है, पूरा जो मटेरियल है रॉ मटेरियल वो उसका डिलीवरी जो है वो फ्रेंचाइजर मैनेज करता है। तो ये सभी चीजें जो है वो फ्रेंचाइजर की तरफ से की जाती है। नाउ सर, हम इस मॉडल को बोल जरूर रहे हैं कि इट्स फ्रेंचाइज ओन एंड फ्रेंचाइज ऑपरेटेड, लेकिन अगर आपने ये पूरा प्रेजेंटेशन अभी सुना होगा तो आपने देखा होगा कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है सिवाय आपको जब रोज जाके गल्ले से पैसे उठाने के कि जो आपको करनी है। यहाँ पे लगभग हर चीज ब्रांड की तरफ से ही की जा रही है, स्टाफ हमारी तरफ से आ रहा है, हम रिक्रूट करा के दे रहे हैं, हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिक्रूटमेंट है, खाली स्टाफ का सैलरी देना है। इसके अलावा पूरा रॉ मटेरियल का सप्लाई हमारी तरफ से आना है, आपको बाहर एक भी चीज के लिए जाना नहीं है, बराबर। तीसरा है सर आपका मार्केटिंग, पूरा मार्केटिंग का जिम्मा हमारा है, पूरा किचन का इक्विपमेंट पूरा सेटअप हम करा के दे रहे हैं। सो इन शॉर्ट इट इज 95% लाइक अ फोको मॉडल, जो हम भले ही हम इसको फोफो करके प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन इट इज अ फोको मॉडल, ये पूरी तरीके से फोको मॉडल ही है। बस इसका एक ही खाली आपको है कि आपको रोज या फिर 2 दिन में, या फिर अगर आप मैनेजर रखते हो तो रोज जाने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो रोज शाम को जाके गल्ले में कितना बिजनेस हुआ है देख के खाली पैसा वहां से उठाना है। बाकी सिस्टम्स भी इस तरीके से है, सॉफ्टवेयर भी इस तरीके से है, हमारा कंट्रोल भी सब चीजों पे इस तरीके से है कि आपको बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है कि आपका कितना खर्चा हुआ है, कितना रेवेन्यू आया है, और रेवेन्यू कितना आया है तो कितना उसका खर्चा और प्रॉफिट कितना है, सब हम निकाल के देने वाले हैं आपको। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक फोको मॉडल, इसमें बस थोड़ा सा यही चेंज है कि आपको रोज का रोज जाके पैसा उठाना है। अगर आप मैनेजर रखते हो तो वो भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आशीष जी, यस, ओवर टू वर्षा।
डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज नंबर वन फास्ट फूड एंड कैफे ब्रांड फ्रोस्ट एंड फिदर की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर अक्षय जी से जाना, एंड वी होप कि आपको ये सेशन काफी पसंद आया होगा। अगर आपको इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बनकर एक एश्योर्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी चाहिए तो प्लीज आप मिस्टर सुनील जी सीईओ फ्रोस्ट एंड फिदर से डायरेक्ट इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। प्लीज नोट डाउन द कॉन्टेक्ट नंबर, इट इज 9859460460। आई एम रिपीट अगेन, 8985946460460। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने यह वेबिनार लेट अटेंड किया है तो प्लीज आप franchiseapply.com के YouTube चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार सेशन को अगेन देख सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दे सो वी कैन कॉन्टेक्ट टू यू। एंड अ वार्म थैंक्स टू मिस्टर अक्षय जी फॉर एड्रेसिंग टूडे वेबिनार सेशन। डियर पार्टिसिपेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू नो अवर नेक्स्ट अपकमिंग फ्रेंचाइज वेबिनार देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू फ्रेंचाइज अप्लाई टीम। अवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 8239455677। Thanks to all attend today webinar session. Thanks to Mr. Akshay ji. Thank you for having me, Varsha ji. Thank you so much for having me. Thank you. Thanks, Akshay ji. Bye and take care. Thank you a lot. Everybody. Ashok ji, thank you. Thank you so much. Yeah.